आप कैसे गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग एवरीवन आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में और uh, कुछ लोग आप में से ऑफकोर्स मुझे जानते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं बट एज आई कैन सी बहुत सारे नए लोग हैं जिनको मैं कभी मिली नहीं हूँ या जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं है सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मैं मोनिका अलवालिया हूँ और uh, जैसे कि आप जानते हैं अकेडमी uh, के साथ uh, अलग अलग कोर्सेज लिए जाते हैं ऑन ऑकल साइंस एंड हीलिंग मोडालिटीज तो उसमें से कुछ कोर्सेज मैं भी सिखाती हूँ यहाँ पर सो स्पेसिफिकली आई हैव टॉट कोर्सेज ऑन शमानिज्म एंसेस्टर हीलिंग बूम हीलिंग और अब जो है ये नया कोर्स है जो कि हम ला रहे हैं सोल जर्नी कोर्स सोल जर्नी हमने शमानिज्म में भी किया है बट uh, उसमें उसका एस्पेक्ट्स अलग थे और uh, ये कोर्स जो है ये अलग मोडेलिटी के ऊपर बेस्ड है सो कोर्स डिटेल्स आपको सब दी जाएंगी सो लेट मी शेयर द स्क्रीन सो एज यू नो ये हमारा टॉपिक है आज का सोल जर्नी एंड अलाइनिंग विद इट्स पर्पस और जैसे आप सब लोग जानते हैं गुरु जी ज्ञान के बारे में राजीव सर और पूनम मैम के बारे में और हम सब फैकल्टी मेंबर्स हैं uh, ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और इनका पर्पस और मिशन है uh, अच्छे कोर्सेज लाना जिसमें जिसके द्वारा लोग सब कुछ सीख सकें और शेयर कर सकें इंफॉर्मेशन उनके साथ लोगों के साथ और लोग भी इस जर्नी में हमारे हम सब आगे बढ़ सकें इन टर्म्स ऑफ लर्निंग थिंग्स रिलेटेड टू ऑकल्ड साइंस आज का ये कोर्स जो है इट्स माय सल्यूट टू माय पेरेंट्स सो इट इज टू देयर डिपार्टेड सोल्स एंड आई लॉस माई पेरेंट्स रिसेंटली सो आई थिंक उनकी गाइडेंस है कि आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस कोर्स सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ ओके ना हाँ नमस्ते पुष्पा जी नमस्ते so, सो हम लोग पहले प्रेयर से स्टार्ट करेंगे सो वी विल से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम bourvasa tasavitur vareniam bhargo devasya dimahi दियो योना prachoday okay so आप सबको आत्मा नमस्ते सिंस आत्मा रेफरस टू सोल और बहुत सारे लोग यहां पे फैकल्टी यहां पे स्टूडेंट्स और फैकल्टी आत्मा नमस्ते का प्रयोग करते हैं सो आई थिंक आज के टॉपिक के लिए तो सबसे एप्ट है जबकि ऑफकोर्स हमारे नमस्कार का मतलब भी होता है कि हम कहीं ना कहीं आपके अंदर जो डिविनिटी है उसको बो कर रहे हैं सो बट दैट डिविनिटी इज सोल सो उसको आत्मा अगर हम मेंशन करें तो वो उसका मतलब ही काफी और बेटर हो जाता है सोल के बारे में तो हम सब ने सुना हुआ है और अगर हम सोल की बात करें तो सोल अलग अलग रिलीजियस टेक्स में स्क्रिप्चर्स में सब जगह पे सोल का मेंशन है पर जो हम पढ़ाई करते हैं या जितने भी हम हीलिंग मोडलिटीज़ करते हैं ज़्यादातर हमारा फोकस हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर रहता है माइंड एंड फिजिकल बॉडी ये दो एस्पेक्ट हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और साइंस भी फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ उसने भी हमको बहुत ज्ञान दिया है बहुत कुछ चीज़ें हासिल नॉलेज हासिल की है इन टर्म्स ऑफ हमारी फिजिकल बॉडी क्या है और उसमें क्या क्या है क्या पुर जो पूरी मशीनरी किस किस ऑर्गन्स की बनी हुई है कहाँ कहाँ पे क्या ऑर्गन्स क्या फंक्शन करता है हम क्यों बीमार होते हैं हम बीमार होते हैं तो क्या मेल फंक्शन होते हैं ऑर्गन्स के इसके बावजूद अफकोर्स डेथ तो होती है तो बर्थ और डेथ का जो ये कार्यक्रम है वो जारी जारी रहता है और सारे रिसर्च और इतना कुछ नॉलेज इकट्ठा करने के बावजूद भी हम अभी तक वो जगह पे नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम इस रहस्य को समझ पाए कि आखिर सोल क्यों जन्म लेती है जन्म के बाद क्या होता है कहाँ जाती है क्या करती है और फिर से जन्म में कैसे आती है देर आर हमारे रिलीजियस स्क्रिप्ट में गीता में और हमारे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं वर्ल्ड uh, वाइड भी बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं और बहुत सारे रिलिजन्स uh, में uh, काफ़ी कुछ है जो हम सुनते हैं इन टर्म्स ऑफ द थ्योरीज और uh, पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि क्या ये सच है और अगर ये सच है तो uh, क्या ऐसा ही होता है तो एक डर सा एक खौफ सा हमारे मन में हमेशा रहता है जब हम सोल की बात करते हैं इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वही एक चीज़ है जो हमेशा जीवित रहती है और उसी का कभी अंत नहीं होने वाला पर उसके बावजूद हमारा ध्यान उन चीज़ों पे होता है जो कि खत्म हो जाएंगे चाहे वो मेटीरियल वर्ल्ड हो हमारी बॉडी हो हमारा माइंड हो हमारे थॉट्स हों वर्ड्स हों जो भी हैं वो सब इस लाइफ के हैं कोर्स हम बहुत कुछ पहली लाइफ का भी कैरी करते हैं सो वी आर अवेयर के माइंड में बॉडी के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो हम पहली लाइफ से लेकर आ रहे हैं और आगे लेकर भी जाएंगे तो वो सब का तो हीलिंग हम कहीं ना कहीं करते हैं बट जिसको हम भूल जाते हैं वो है हमारी सोल तो क्या हमको ऐसा लगता है कि सोल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता हम जो भी करते हैं या जो भी करने आए हैं उससे सोल का कोई कनेक्शन नहीं है तो ऐसे बहुत सारे विचार मन में आते हैं स्पेशली जब हम अपनों को इस दुनिया से जाते हुए देखते हैं क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारी डेथ तो कभी होने वाली है एवरी डे हम यही सोच के सोते हैं कि हम कल भी उठेंगे कल भी काम पे जाएंगे कल भी चीजें करेंगे कल भी कमाएंगे कल भी हंसेंगे और हमको सोसाइटी या हमारे खुद के चाहने वाले भी कभी भी ये चाहते नहीं कि हम कभी सोचे भी डेथ के बारे में क्योंकि डेथ के बारे में क्यों सोचना वी शुड थिंक अबाउट लाइफ करेक्ट क्योंकि हर मोमेंट जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं अगर हम डर के जिएंगे कि हमारी कल डेथ हो जाएगी तो हम कैसे जी पाएंगे लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हमको डेथ के डर से डरने की जरूरत है और अगर हम जैसे किसी के आने की खुशी मनाते हैं तो फिर हम जाने की खुशी भी क्यों नहीं मनाते क्यों नहीं हम जैसे हमारे घर में कोई शिशु आने वाला होता है या बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हम कितनी प्रिपरेशंस करते हैं कितना कुछ सोचते हैं और आजकल तो स्पेशली बहुत कुछ हम सोचते हैं कि भई हम घर में ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे ये कलर की चीज़ें करेंगे इस तरह के कपड़े खरीदेंगे इस तरह के टॉयज़ खरीदेंगे इस तरह के जगह पे हम रहेंगे पार्टी इस तरह से देंगे बाद में ये ये सेलिब्रेशंस होंगी कौन से हॉस्पिटल कौन सी जगह सब कुछ हम बराबर से प्लान करते हैं तो क्या हम ये प्लान करते हैं कि जब हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे किस तरह से मरेंगे कहां पे जाएंगे कब जाएंगे ये तो हम कभी सोचते नहीं है ना और हम सोचना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि सोचेंगे तो डर लगेगा कौन इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता है तो ऐसा है जो बोलेगा कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता हूँ या मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ तो वो वही होगा जिसको दुख दर्द है जब हम कभी कभी पेन में होते हैं दुख में होते हैं तो हमारे मन में ये विचार जरूर आ जाता है कि अच्छा मैं तो घर छोड़ के चली जाऊंगी घर छोड़ के भी इस दुनिया को भी छोड़ के चले जाऊंगी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं उस समय लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाद में हमको विचार आता है कि क्यों छोड़ूंगी ये कि दुनिया कितनी हसीन है कितनी अच्छी है सब कुछ यहाँ पे कितना रंगीन है सब प्रकार की खुशियां सब कुछ है यहाँ पे तो फिर हम दुनिया को क्यों छोड़ के जाए तो इसका मतलब हमारे मन में क्या ये विचार है कि जो दूसरी दुनिया है जहां लोग जाते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती और अगर हमें पता चल जाए कि वो दुनिया इस दुनिया से भी बहुत अच्छी है तो क्या हम डरेंगे यहां से वहां जाने के लिए कि हम खुश होंगे सो so, ऐसे अनगिनत सवाल हमारे मन में होते हैं नाउ लेट स्टार्ट विद दैट सो जब हम ये सारे सवाल हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी है तो हमारी सोल स्पिरिट स्पिरिचुअल सोल क्या है क्योंकि कई बार हम स्पिरिट के बारे में सुनते हैं कभी सोल के बारे में सुनते हैं कभी हायर सेल्फ के बारे में सुनते हैं अभी तो हम हीलिंग मोडालिटी में तो ये सब शब्द हमारे सामने बहुत बार आते हैं और इन सब शब्दों के बारे में हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं या सुनते जरूर हैं और या हम दूसरों को ज्ञान भी बांटते हैं इसके बारे में राइट सो so, कहाँ रहते हैं वो हमारी कभी अपने फिजिकल बॉडी में आपको मालूम है आपका हार्ट किधर है आपका चेस्ट किधर है किडनी किधर है लंग्स किधर है लिवर किधर है ये सब के बारे में आपको मालूम है पर क्या आपको मालूम है आपकी सोल किधर है और हो सकता है कुछ लोगों ने हमको बताया भी हो कि हाँ सोल जो है वो हार्ट के पीछे रहती है पर क्या एक्चुअली वो हार्ट के पीछे रहती है क्या कभी आपने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की जैसे हम मेडिटेशंस करते हैं कितनी बार हम मेडिटेशंस करते हैं कि चलो हार्ट को रिलैक्स कराओ अपने लिवर को रिलैक्स कराओ ऑर्गन मेडिटेशंस होती है हमारी कई तरह की सो so, क्या हम उस समय ये सोचते हैं कि अस आल्सो कांटेक्ट अ सोल कनेक्ट टू द सोल देखें सोल क्या कर रही है सो रही है उठी है बैठी है किस विचार में है कैसी लग रही है उसको हमारी लाइफ कैसी लग रही है उसको ये दुनिया हम ऐसा कभी सोचते नहीं है सो so, हम कैसे उससे कांटेक्ट करें क्वेश्चन ये है हमको हार्ट की फिगर तो दी हुई है लोगों ने किडनी कैसी लगती है हमने देखा हुआ है लिवर कैसे दिखाई देता है हमको पता है और सबके क्या फंक्शन है सब कहाँ कहाँ लोकेटेड है कहाँ कहाँ पे उनका क्या कलर है वो सब हमें मालूम है पर क्वेश्चन है कि सोल जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारी खुद की है और जो कभी ये बॉडी तो हमारी चली जाएगी ऑर्गन्स भी चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट लाइफ में हमारी बॉडी कोई और होगी ऑर्गन्स को होंगे पर शायद इस तरह से नहीं होंगे पर फिर भी वो सोल तो वही रहेगी इतनी अनगिनत लाइफ्स हमने जिये हैं और जो आगे भी जिएंगे अगर हम मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर इन दैट केस सोल के बारे में जानना क्या इंपॉर्टेंट नहीं है सो so, क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी कनेक्ट क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है सोल को कैसे कनेक्ट करें क्या हम देख सकते हैं उसको इज इट पॉसिबल टू सी द सोल और कैसे अगर वो रहती है तो क्या वो कभी मरती है कि वो हमेशा के लिए रहेगी अफकोर्स हमारे पास scriptures हैं जो बोलते हैं कि सोल तो एटर्नल है सोल कभी मरती नहीं है और गीता में भी यही लिखा है कि वो सिर्फ वस्त्र चेंज करती है जो हमारी ये बॉडी है वो एक वस्त्र है नया वस्त्र इस वस्त्र को छोड़ के फिर वो दूसरे वस्त्र में चली जाएगी राइट right? तो बेनिफिट ठीक है अगर हम सोच भी लें कि चलो ठीक है हमको सोल से कनेक्ट करना है तो बेनिफिट क्या है मुझे व्हाट इज द एडवांटेज क्यों मैं सोल से कनेक्ट करूं मैं अपने हार्ट को रिलैक्स करती हूँ मैं अपने लंग्स को रिलैक्स करती हूँ लिवर को रिलैक्स करती हूँ या मेडिटेशंस करती हूँ या थीटा हीलिंग करती हूँ या फैमिली कॉन्सलेशन में देखती हूँ या किसी और भी थेरेपीज में मैं देखती हूँ चाहे रेखी हीलिंग करूँ लामा फेरा करूँ तो उससे तो मुझे फायदा हो रहा है ना आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ जब मैं अपने ऑर्गन्स को बैलेंस कर रही हूँ चक्रास को बैलेंस कर रही हूँ ऑर्गन्स को एनर्जी को ठीक कर रही हूँ वॉट विल हैपन इफ आई गिव एनर्जी टू द सोल द सोल रिक्वायर माई एनर्जी एंड अगर सोल रिक्वायर्स और इफ द सोल इज डिप्लीटेड इन वॉट वे विल द सोल हेल्प मी अगर मैं उससे कनेक्ट होती हूँ और मैं उसका देखती हूँ कि करंटली वो कैसा महसूस कर रही सो वॉट इज बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स वी ऑलवेज लुक फॉर बेनिफिट एंड एडवांटेज कुछ भी हम चीज़ करते हैं तो हमारे मन में ये विचार जरूर आता है कि हम कोई चीज को बिना मकसद बिना पर्पस के तो नहीं करते तो हमारे पी, हमारे पास कोई मकसद या पर्पस होना चाहिए हमारे सोल को कांटेक्ट करने का अगर वो आराम से बैठी अपनी जगह पे कुछ हल्ला गुल्ला नहीं कर रही है कुछ तंग नहीं कर रही है हमें तो वाई शुड बी द सोल राइट और अगर हम उसको कांटेक्ट नहीं करते हैं तो ठीक है हम उसको कांटेक्ट करते हैं तो हमको बेनिफिट क्या होता है एडवांटेज क्या होता है और अगर हम उसको कांटेक्ट कर नहीं अगर करते हैं या नहीं करते हैं तो क्या कोई लॉस भी हो रहा है हमको आर वी फेलिंग ऑन सम थर वी नॉट अचीविंग हमारे को हमारे लाइफ में सक्सेसफुल uh, बनाएगी क्या वो हमें हमारे लाइफ में मेटीरियल वेल्थ अक्वायर करने में हेल्प करेगी सो so, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं ना अगर मैं सोल के बारे में जानना चाहती हूँ या कोई भी जानना चाहता है वो ये चीज सोचेगा विचार करेगा कि मैं ये कोर्स में ज्वाइन करूँ तो मुझे ऐसा क्या मिल जाएगा जिसको मैं खुद को सुधार पाऊंगी और दूसरों को सुधार पाऊंगी क्योंकि हम सबसे पहले तो दूसरों को सुधारने की बात करते हैं कोई भी कोर्स में हम पहले ही सोचते मैम हाउ कैन वी हेल्प अदर्स वॉट कैन वी डू फॉर अदर्स वॉट वे वी कैन प्रोवाइड हीलिंग टू अदर्स बिकॉज दैट इज द फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग वी ओनली थिंक अबाउट अदर्स अपने बारे में तो हम सोचना थोड़ा कम करते हैं So do we need to heal the soul? And if we need to heal the soul, why? What is the purpose it will serve? Now question is, on death, we know, ये तो हुआ जब हम physical body में रह रहे हैं, तब हमारे अंदर ये प्रश्न हो सकते हैं. और जब हमारी death होएगी, तो हमारी body को क्या होगा? हमारी soul कहां जाएगी? ऑनवर्ड जर्नी का क्या प्रोसेस रहेगा दूसरी जगह पे उसका क्या एक्सपीरियंसेस हैं क्या हम सोल के पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख सकते हैं क्या हम अपनी खुद के जैसे हम पास्ट लाइफ एक्सेस करते हैं सो वी कैन वी सी हाउ द सोल वाज इन द अदर पास्ट लाइफ सो ये क्वेश्चन हमारे मन में है या मेरे मन में है इस टाइम और इस बेसिस पे ही मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया दिस वॉज अ ब्रॉड स्ट्रक्चर लुकिंग एट इट कि ये चीज अगर हमारे को पता लगानी हो या हमको इस बारे में जिज्ञासा हो तो हम कहा जाए सो एज सेड ये हमारी फिजिकल बॉडी है अफकोर्स हम सब जानते हैं हमने फिजिकल बॉडी को देखा हुआ है हम सब अभी भी देख पा रहे हैं राइट right? मेडिकल so, साइंस ने इसमें तो बहुत एडवांसमेंट किए है हमको एक एक चीज पता है अपनी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के बारे में आप छोटे से छोटे बच्चे को पूछ लीजिए साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हम सबको चाहे हम बड़े हो के कुछ भी बने लेकिन साइंस में हम फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं सो ईच फंक्शन ऑफ द ऑर्गन क्यों कॉज सा ऑर्गन चलता है नहीं चलता है सब थ्योरीज सब कुछ हमको पता है कैसे जिंदगी हमको अच्छी तरह से जीनी है हेल्दी वे में हैप्पी लाइफ में लेकिन इसके बावजूद भी हम अटक जाते हैं जब लाइफ और डेथ की बात होती है लाइफ तक तो हमको पता है कि कैसे लाइफ जीनी बट लाइफ से बाहर निकलने के बाद क्या होगा वो हमको पता नहीं तो जैसे मैंने कहा कि हम सब प्लान्स करते हैं बट डेथ के बारे में प्लान्स हम नहीं करते हैं अब ये है हमारा सोल कोर्स दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल बट दिस इज हाउ वी सी द सोल इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कहीं पे भी हमको सोल की पिक्चर अगर देखनी होती है तो हम बॉडी के अंदर सोल है कितना सुंदर लग रहा है यही आप बॉडी देख रहे हैं तो ऐसी और जब आप सोल को देखते हैं तो आप उसको लाइट के फॉर्म में देखते हैं समथिंग विच इज गिविंग द लाइट टू द एंटायर बॉडी जो उसको एलिमिनेट कर रही है उसको शाइन कर रही है अब जब हमने बॉडी को देखा तो बॉडी इज ए मेटीरियल थिंग बोला जाए तो मास्क की बनी हुई है मैटर है लेकिन सोल इज नॉट a material essence, its non-material essence of a person. इसीलिए हमने उसको light form में देखा. We didn't see it in the form of organ or in form of some hard structure, right? लेकिन फिर भी हमारी सब चीजें, चाहे वह हमारी personality है, चाहे हमारे विचार, हमारे living thing है, everything is कनेक्टेड टू द सोल सो जिसे हम आत्मा कहते हैं स्पिरिचुअल स्पाक कहते हैं रूहू कहते हैं सो so, हमारी बॉडी में लाइफ है बिकॉज ऑफ द सोल अगर सोल नहीं हो देर इज नो लाइफ तो आप सोचिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना हम नहीं जी सकते हम अपनी श्वास लेने पे ध्यान देते हैं अपने हार्ट बीट पे ध्यान देते हैं और सब चीजों पे भी हम ध्यान देते हैं लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि सोल फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है उसका पता तभी हमें चलेगा जब डेथ हो जाती है तब सोल बाहर निकल जाती है या उससे पहले सोल बाहर निकल जाती है राइट तो वो स्टोरीज तो हमने सुनी है लेकिन उस तक जब तक हम उसको बाहर नहीं निकल जाती है जब तक वो हमारे शरीर के अंदर रहती है तब तक हम उससे संपर्क में नहीं आते हैं। और ऑफ जब वो बाहर निकल गई तो वो चाहे कितनी भी पुकार ले किसी को भी तो भी कोई उसको देख नहीं पाएगा समझ नहीं पाएगा सो so सोल एक ड्राइवर है बॉडी की राइट right? हमारी बॉडी उस पे आश्रित है उसी की वजह से चल रही है और वही हमारी बॉडी को अलाइव रख रही है जिंदा रख रही है राइट? Right? सो so, ये नहीं है कि सोल सिर्फ हमें ही है, सोल इवन नॉन लिविंग बींग्स में तो हम कहेंगे कि अच्छा नॉन लिविंग बींग्स तो जिंदा नहीं है वो तो श्वास सांस हमारी तरह नहीं ले रहे हैं, तो फिर कैसे उनके अंदर भी सोल है तो अगर आप हाँ एनिमिज्म, शमानिज्म ये सब चीजों में पढ़े और ध्यान दें और इनफैक्ट हिंदू कल इसमें भी है कि हर चीज में हर जीव में चाहे हर कण में वह डिवाइन सोल इज देयर कॉन्शियसनेस इज देयर अवेयरनेस इज देर चाहे हमें महसूस हो या नहीं सो so, अब क्वेश्चन है कि क्या सोल ऑफ़ कोर्स हमने कई बार सुना है कि हम इस जीवन में आए हैं हमारे कर्मा हैं कर्मा के हिसाब से हम जीवन जी रहे हैं और उसी हिसाब से हमारी सोल भी जो है उन चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए इस दुनिया में आई है सो देर इज अ जर्नी जिस जर्नी पे हम आए हैं सो नोट द वर्ड इट इज अ जर्नी है ना जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हम हमेशा के लिए नहीं आए क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो तो जर्नी पे जाते हो या आप अपने वैकेशन पे जाते हो तो हमेशा के लिए तो आप नहीं जाते हो वैकेशन इज ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म राइट और उस वैकेशन में आप प्लान करके जाते हो चलो आज मैं पेरिस जा रही हूँ लंडन जा रही हूँ तो लंडन में कहा क्या क्या देखना है मुझे किस किस जगह पे रुकना है क्या क्या खाना है किस किस से मिलना है राइट right? और फिर जब दस दिन हो जाते हैं जब आपका लास्ट डे होता है तो आप अपने बैग्स पैक करके आ जाते हो क्या आप सोचते हो कि अरे नहीं मन कितना भी चाहे कि यहाँ पे रुक जाते थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं लेकिन पता है टिकट तो उतने दिन की ही है दस दिन की टिकट करा के आए वीजा भी उतने टाइम का ही है सो उससे ज्यादा रह नहीं सकते सो वापस तो आना ही पड़ेगा राइट right? तो दुखी मन से आए या खुशी मन से आए वापस तो हमको आना ही पड़ता है पर उस दस दिन में हमारा एक प्लान होता है कि हमें क्या क्या देखना है क्या क्या करना है किस किस से मिलना है क्या क्या खाना है किस एक्टिविटीज में अपने आप को ढालना है कुछ नई चीजें अगर सीखनी है कुछ नए कपड़े खरीदने हैं जो भी काम करना है वो सब हमारा फिक्स्ड होता है राइट right? हम बहुत अच्छी तरह से ये सब लिस्ट बना के जाते हैं मम्मी ये ये चीजें लेनी है ये ये काम करना है सब कुछ होता है हमारा फिक्स्ड राइट तो फिर इसका मतलब कि जब सोल भी जर्नी पे आई है घूमने आई है यहाँ पे भूमंडल पे इस धरती पर जो बहुत सुंदर है तो ऑब्वियसली वो एक प्लान लेकर आई है उस प्लान में उसको मालूम है जब वो आई है वो टिकट कटा के आई है वीजा लेकर आई है कितने दिन की वीजा है चाहे वो एक महीने का हो चाहे दो महीने का हो चाहे सालों का हो पर उसका टाइम पीरियड वो फिक्स्ड है और उस टाइम पीरियड में वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है जो जो उसकी लिस्ट में लिखा हुआ है राइट right? सो so अब उसकी लिस्ट में भी होगा टू डू टू नॉट टू डू क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है पर हमको तो इसका कुछ अंदाजा नहीं है जैसे कि हमारे पास हमारा प्लान रहता है जब हम किसी टूरिस्ट पे पे जाते हैं तो अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चे जा रहे हैं हो सकता है बच्चों को इतना अंदाज़ा नहीं हो कि मम्मी ने क्या प्लान किया है या पापा ने क्या प्लान किया है लेकिन माँ को या एक जने को तो पता होता है कि ये ये प्लान है इस हिसाब से तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम इस जर्नी पे आए हैं हमें इसका अंदाजा नहीं है बट ऑफकोर्स डिवाइन पावर को उस भगवान को मालूम है हम किस पर्पज से यहाँ छोड़े गए और सोल को भी वो अंदाजा है कि वो किस समय कितने टाइम कितने क्षणों के लिए यहाँ पर आई है और उस क्षण में उसको क्या क्या करना है बट नाउ सिंस देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द फिजिकल बॉडी एंड द सोल एंड वॉट द सोल हैज कम सोलर फॉर तो आपको क्या लगता है क्या फिजिकल बॉडी और सोल वो अकम्प्लिश कर पाएंगे जो पर्पज से वो आएंगे बताइए आप लोग बताइए आप लोग को क्या लगता है आर यू वर्किंग एज पर योर सोल प्लान कौन कौन एग्री करता है आप लोग में से कौन लोग बोलते हैं कि हाँ जो मेरा सोल प्लान है जिस डिरेक्शन से मैं आई थी एक्जैक्टली मैं वैसे ही चल रही हूं अभी तक मैं वही चीजें अचीव कर रही हूँ लाइफ में और मैं बहुत खुश हूँ जब मेरा लास्ट डे आएगा तो आई नो कि व्हेन आई रिटर्न बैक आई विल गो विथ हैप्पी स्माइल ऑन माय फेस कि यस द पर्पस फॉर विच आई केम हियर आई हैव डन इट हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दैट चलिए आप लोग बोलिए कोई तो मुझे बताइए अपनी सोल स्टोरी हुँ? कि नहीं मैम डोंट नो द पर्पस यू डोंट नो पर्पस ओके वेरी गुड कोई बात नहीं सो ऑफ कोर्स जब आपको पर्पस ही नहीं पता आपके सामने प्लान ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्लान के हिसाब से चल रहे हो कि प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हो राइट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो है ना तविशा को पता है हम्म hmm? हाँ मैम मुझे भी अभी कुछ सालों पहले ही पता लगा है अच्छा वेरी गुड तो पता तो आपको तो लगा है क्या नो अब मैं अभी भी ये ये नहीं कह सकती हंड्रेड परसेंट मैं कर रही हूँ तो कोशिश कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे एनलाइटमेंट मिलती है मैं वैसे वैसे करती हूँ ओके तो मतलब आप कोशिश कर रही हैं कि आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ सके आप सोल से कनेक्ट हो सके और अभी तक ये जितनी जीवन बीत गया ठीक है एटलीस्ट आने वाला जीवन तो सही प्रकार से बीते राइट right? बिल्कुल तो करेक्ट क्योंकि जो मेन चीज है वो यही है कि मेडिटेशन करते रहो अपने आप आपको आंसर्स मिलते हैं इसका एक रूट टेक्निक यही है right, right. But पूछने भी, सही क्वेश्चंस पूछने भी तो जरूरी है ना बिल्कुल इंटेंशन बिना लिए क्वेश्चन बिना पूछे तो इंसान कैसे पता लगेगा यूनिवर्स को कैसे पता लगेगा कि आपकी वाइब्रेशन क्या चल रही है आ, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हम सही क्वेश्चन क्या क्या पूछने हैं वो जानते हैं इस चीज के लिए तो मैथ में कुछ नहीं कह सकती कि सही तरीके से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ओके चलो एनीवे anyway, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ठीक है अगर सोल हमारी बॉडी में है अः सोल कहाँ बट हम जो ये कोर्स है ये हमारी लाइफ लेबोरेटरी की तरह होगा जहां पे हम सिर्फ इस बात पे नहीं सोच के बैठ जाएंगे कि ये बोला गया है ये कहा गया है तो इसका मतलब यही हकीकत है यही सच है ये क्या हुआ हम ऐसा करेंगे कि जहां पर हम खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे एक मिनट ये कुछ लाइन आई है ना फ्रॉम कोनिका हेलो आलिया नाम ये एनोटेशन ऑन है ना लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का तो उसके वजह से एनीवन कैन ड्रॉ ओके किसी और ने कुछ ड्रॉ किया है एनीवे anyway, तो उसको कैसे हटाने का I'm not very sure ma'am uh, okay someone name is. is written uh, konika hello alia no no that must be my, that's my daughter's name only ma'am oh green color ka left side mein dikh raha hai aapko pen je bas usko click karna aur usme eraser hoga fourth ya fifth ye editing Uh, anyway, anyway, let it be. Let's see the next slide. If it comes, if it doesn't come, so um, हाँ द क्वेश्चन इज के सोल जो है वो बॉडी में कब एंटर करती है राइट right? क्योंकि हम ऑब्वियसली पैदा होके आए हैं मां की कोख से राइट right? हमारा जीवन वहीं से शुरुआत हुई है उसकी सो so कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत अगर वहां से हुई है तो फिर हम माँ की कोख में ही हमारी सोल आई होगी राइट right? है ना ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा हो, हो गया बाहर आ गया फिर सोल उसमें एंटर हुई so usually जब हम माँ की कोक में आने वाले होते हैं सो so ऑफकोर्स हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि हम इस लाइफ में आने वाले हैं और उसके लिए हमको लाइफ में लाने वाली हमारी माँ है सो so हम अपनी माँ को भी पहचानते हैं और जब हम माँ की कोक में हम एंटर करते हैं तो ये कहा जाता है कि कभी कभी जस्ट अ पार्ट ऑफ द सोल एंटर्स फर्स्ट इनिशियली, ओके। एस्ट्रोल एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग तरह के विचार हैं कोई बोलता है तीन महीने बाद सोल आती है अलग अलग uh, कोई बट दिस इज हाउ वी बिलीव दैट द एंट्री ऑफ द सोल मे नॉट बी फुल सोल मे नॉट एंटर इनिशियली इट्स अ पार्ट ऑफ द सोल एंटर्स इनिशियली और फिर जैसे-जैसे टाइम जैसे बीतता है द सोल मे एंटर आफ्टर 3 4 मंथ्स और इट मे एंटर जस्ट बिफोर द बर्थ कंप्लीटली ओके सो इस तरह से जीव जो है वो अलग-अलग टाइम पीरियड में एंटर हो सकता है देयर इज नो फिक्स्ड रूल देयर आर डिफरेंट थॉट्स अबाउट द सेम प्रोसेस लेकिन आप अपना देख सकते हो कि आप कब एंटर हुए थे ओके okay? सो so, हमारा पर्पस क्या रहेगा हम जो भी चीजें करेंगे उसमें वी विल ट्राई टू सी फॉर आर सेल्फ हाउ वॉट है ना दूसरों के लिए क्या हुआ कैसे हुआ वो मुझे जानने से क्या फर्क पड़ेगा जब मैं अपने सोल से कनेक्ट करना चाहती हूँ फर्स्ट है ना सो ओके नाउ लेट अस सी इन द नेक्स्ट वन गॉड इट्स कमिंग इन ऑल द मैं बात से नहीं होगा ये जूम तो पे, पे हुआ है नॉट इन पावर पॉइंट करके ओपन कर, कर लीजिए दोबारा अच्छा मैं, मैं पर भी पर मैं तो ही ऊपर से स्क्रीन पे आया है ये आपके पावर पॉइंट स्लाइड्स को फ्रीज नहीं आएगा ये हाँ लेट अस लेट मी सी अगेन अब ठीक हो जाएगा मैम अभी ठीक है करेक्ट थैंक यू थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो ओके सो ओके सो एज आ सेट वी वूइंग हाँ सो आप जो सोल uh, की बात होती है तो हमको लगता है कि सोल हमारी एक ही है एक ही सोल होनी चाहिए राइट right? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी, आपकी दो तीन सोल होनी चाहिए पांच सोल होनी चाहिए छह सोल हो सकती है दस सोल हो सकती है ऐसा किसी को लगता है

ओके सॉरी भविष्य बोल रही है ना हाँ मेरा Haan, ऐसा मानना है कि सोल इनफाइनाइट है तो उसके पास वो इनफाइनाइट पावर है कि वो एक ही टाइम पे अलग अलग डायमेंशन hmm. पे वो अलग अलग बॉडी को लेकर वहां पे वो एक्सप्लोर कर सकता है करेक्ट वो तो आप कह रहे हो कि हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट डायमेंशंस

and different different types of shamanisms they uh, belonging to different tribes and different areas they say that you can have even 15 souls okay yeah, souls whether they live different different lives is a different thing yeah, having different lives experiencing different lives in different dimensions yes that is a different thing which is also a which is a possibility and which happens but You can, in the soul also, जब हम अपनी सोल की बात कर रहे हैं तो देर आर नॉट जस्ट वन सोल होती है जो कि बॉडी के, के अंदर रहती है और एक सोल होती है या दूसरी सोल जिनको हम बोलते हैं लाइफ सोल या फ्री सोल जो कि एज द फ्री नेम से वो सोल फ्री रहती है वो सोल

वो सिर्फ एक ही है उसके अलावा भी उसके और पार्ट्स हैं सो देर आर मल्टीपल सोके कौन है भैया मराठी में सो <laughs> so, जो फॉर्मर है जो हमने बात की बॉडी सोल की बात की तो वो तो बॉडीली फंक्शंस के बारे में सब जानती है वो बॉडी के अंदर ही रहती है जब हम उठते हैं बैठते हैं वो हमारे साथ ही रहती है राइट right? लेकिन जो दूसरी वाली सोल है चाहे वो फ्री सोल हो वो सोल घूम सकती है कहीं पर भी रह सकती है इधर उधर जा सकती है कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है राइट right? सो so, इसी तरह से सोल्स के अलग अलग इवन चाइनीज में नेटिव नॉर्थ अमेरिकन में एंशंट एशियन पीपल में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ट्राइब्स में इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन या वन ट्राइब आर मेनी ट्राइब्स हु बिलीव इन दिस कंसेप्ट ओके नाउ अब क्वेश्चन है कि सोल फिर हमारी बॉडी में अगर मल्टीपल सोल्स भी हैं और अगर बॉडी में एक सोल रहती ही है तो वो सोल कहाँ पे रहती है तो जैसे कि हमको बोला जाता है कि भाई हार्ट के पीछे आपकी सोल रहती है पर कई जगहों पे ये भी बोला जाता है कि आपके एबडोमिन में सोल रहती है पेट में रहती है कोई कहता है लिवर में रहती है कोई बोलता है हार्ट में रहती है कोई कहता है हेड में रहती है आपको क्या लगता है आपकी सोल कहाँ रहती है मुझे हुँ? तो ऐसा लगता है कि हमारी हर हर सेल हमारी हर सेल में है वो yeah, तो, तो हर सोल में है ना हर सेल में है ना हाँ सो so उसका भाग या उसका रिफ्लेक्शन या उसका प्रोजेक्शन या उसकी नॉलेज मेमोरी हर सेल में बॉडी में है है ना प्रेजेंस कैन बी फील्ड इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी सो जब आदमी की सोल जो भी अगर दो सोल्स हैं या तीन सोल्स हैं या जो भी हैं अगर वो एक दूसरे से हारमोनी में है तो वो जना खुश रहेगा और अगर उसकी एक सोल कहीं और है और वो कुछ अलग चीजों में अटकी हुई है तो ऑब्वियसली दैट मींस देर बी विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट है न करेक्ट सो उस केस में आप खुश तो रह नहीं सकते हो ना करेक्ट नो ट्रू ओ नाउ वी विल गो हियर क्या हम अपनी सोल को कांटेक्ट कर सकते हैं अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था क्योंकि ये सारी थ्योरीज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सोल इधर रहती है उधर रहती है सोल यहाँ जाएगी वहां जाएगी सोल इस तरह की होती है इस इतनी सारी होती है क्वेश्चन है कि क्या हम उसको पहली बात कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कांटेक्ट कर सकते हैं तो ही फायदा है ना ये सब जानने का नहीं तो व्हाट इज यूज करेक्ट भाई कोई करेक्ट बोलेगा या नहीं करेक्ट बोलेगा ये भी बोल सकते करेक्ट मैम करेक्ट अगर ओके सो okay. so, एक थ्योरी जो है ना वो ये कहती है कि अगर हमारी जो माइंड है राइट right? माइंड को अगर आप तीन सर्कल्स में डिवाइड कर दो ये सर्कल्स ऑफ कोर्स एक बड़ा सर्कल उसके अंदर एक और छोटा सर्कल और उसके अंदर सबसे छोटा सर्कल ओके सो आपके इस तरह से तीन सर्कल्स हैं तो आपका जो सबसे बाहर वाला सर्कल है जो सबसे बड़ा सर्कल है वो आपका कॉन्शियस माइंड है ओके जो माइंड हम जानते हैं जिससे हम कांटेक्ट में रहते हैं और हम जानते हैं वो माइंड हमारा हमेशा क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग वाला होता है है ना हम सबका माइंड हमको हमेशा ये बोलता है ना कि देखो सब चीज का तोल मोल करो सब चीज को बराबर से देखो सब चीजों के पीछे क्या रीज़न है उसको समझो बिना किसी समझ समझ के कोई भी स्टेप मत उठाओ ये तो हमको बचपन से सिखाया जाता है और इसीलिए हमारा माइंड इस बात को बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर करके रखता है और हम कॉन्शियसली ये चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं सो दैट इज़ आर कॉन्शियस माइंड जो सबसे बड़ा सर्कल है और अगर उसके अंदर वाला हम सर्कल देखें जो उससे थोड़ा छोटा है पर है बड़ा फिर भी वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड इट हैज़ नो रिलेशन ये यहाँ पे मैं सर्कल्स का रिलेशन साइज के हिसाब से ऐसे मत सोचिए कि इसका मतलब क्या हमारा कॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा है सबकॉन्शियस माइंड छोटा है ऐसा नहीं है लेकिन ये जस्ट टू शो यू कि भाई एक माइंड है एक उसके अंदर एक और माइंड है और एक और माइंड है राइट right? सो so हम जब कॉन्शियस माइंड जो है उससे हम उससे परिचित हैं उससे हम उसको हम जानते हैं फिर हम बात करते हैं हमारे सब कॉन्शियस माइंड की जिसके बारे में भी हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे बिलीव सिस्टम्स हमारा थॉट प्रोसेस हमारे जो भी चीज़ें हम पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं दूसरी लाइफ से कैरी कर रहे हैं हिप्नोथेरेपी द्वारा पास्ट लाइफ द्वारा हम उसी माइंड को करने की कोशिश करते हैं राइट तभी हम ट्रांस में जाते हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पे तो बहुत कुछ है कितना कुछ स्टोर्ड है फ्रॉम ऑल आर डायमेंशन ऑल आर लाइफ एवरीथिंग ओके तो ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब उसके अंदर एक और माइंड है हमारा जो कि हो गया इनर मोस्ट माइंड विच इज आर सुपर कॉन्शियस माइंड और अगर बोला जाए यही सुपर कॉन्शियस माइंड है जो कि हमारी हाईएस्ट सेंटर ऑफ सेल्स है हमारा सेल्फ का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन उसमें है और अगर हम इसको माइंड की तरह नहीं देखें तो एक्चुअली ये सोल है क्योंकि यही पे हमारी रियल आइडेंटिटी छुपी है सो so, ये एक लेवल नहीं बट इट इज द इट्स सेल्फ सो आप समझ सकते हैं यस yes, मैम तो ये सबसे ज्यादा हमारा जो विजडम है जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर जो लाइफ आफ्टर डेथ क्या होगी कहाँ से हम आए हैं कहाँ जाएंगे किस तरह से हमें जीवन जीना है सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन है सो दैट्स अ सुपर कॉन्शियस माइंड विच वी हैव टू टैप टू अंडरस्टैंड दैट विजडम सो आप क्वेश्चन है कि आप बोलेंगे कि ठीक है आपने बोल दिया और हो सकता है कुछ मोडेलिटीज भी हो कुछ तरीके भी हों उनको अप्रोच करने के सुपर कॉन्शियस माइंड को बट क्वेश्चन है कि क्या हम आज अभी इस चीज को करना चाहेंगे वेन एंड वाई डू वी नीड टू रीच अ सोल सो जब जीवन में जीवन में जब आप अपना जीवन जी रहे आप बोलेंगे मैं तो जीवन से खुश हूं जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है इसका मतलब मेरे सोल प्लान के हिसाब से ही चल रहा है राइट right? बट फिर भी हमको कहीं ना कहीं लगता है कि वो ग्रोथ नहीं हो रही है वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वो चीजें नहीं मिल रही हैं जीवन में वो कहीं कमी महसूस हो रही है ग्रोथ yes, yes. so एंड हम वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज दैट थिंग जब मैंने सब कुछ कर लिया अच्छी तरह से कमा लिया अच्छी तरह से पढ़ ली अच्छी तरह से सेवा कर ली अच्छी चीजें कर रही हूँ सब कुछ ठीक कर रही हूँ फिर भी उसके बावजूद मैं खुश नहीं हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अभी भी बाकी है मेरे लाइफ में अचीव करने के लिए और मैं जानना चाहती हूँ वो क्या है तो यहां हमको अपने उस सुपर कॉन्शियस माइंड को उस सुपर कॉन्शियस आइडेंटिटी को टैप करना होगा जो कि जानता है कि हमारी लाइफ का गोल क्या है क्योंकि हम सब गोल्स लेके आए हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले वो गोल्स को हमें अकम्प्लिश करना है तो अगर उस गोल्स को अकम्प्लिश करना है तो हमें कैसा पता चले क्या गोल है हमें लग तो रहा है कि हाँ हम अभी तक उतने उत्तम चीज पे नहीं पहुंच पाए हैं जो हम पहुंचना चाहते थे इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मेजरेबल थिंग इट इज अ क्वेश्चन ऑफ के वो जो सेटिस्फैक्शन हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है राइट सो वी दैट्स द टाइम वेन वी नीड टू टैप आर सोल बिकॉज बॉडी को हम कर चुके हैं माइंड को हम कर चुके हैं अब क्वेश्चन है सोल को कॉन्टैक्ट करेंगे तो ही हमको वो फाइनल उपाय मिल पाए वो फाइनल गुत्थी पता चलेगी कि क्या चीज हमारे लाइफ में बाकी है सो so व्हेन हमारी लाइफ में टाइम अप्रोक्रिएट होता है तब ऑटोमेटिकली हमारी ह्यूमन नीड्स हमारे सोल पर्पस से ज्वाइंट हो जाते हैं सो मे बी मोस्ट ऑफ यू हु हैव कम टुडे टू अटेंड एंड इफ यू परस्यू फर्दर आप उस टाइम पे पहुंच गए वेयर यू वॉन्ट तो आर हार्मोनाइज योर ह्यूमन नीड्स विद योर सोल पर्पस क्योंकि जो हमारी जो इटर्नल आइडेंटिटी है जो हमारी आइडेंटिटी एक्चुअल है राइट right? हम कोई आइडेंटिटी पर्सनालिटी जो बना रहे हैं वो इस दुनिया में बना रहे हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया से वो एप्रिसिएशन रिसीव करने के लिए या हमारे माता पिता ने कहा कि आप ये बन जाओ और यही हमने सोच लिया ये हमारी आइडेंटिटी है मैं डॉक्टर बन गई हूं मैं इंजीनियर बन गई हूं या मैं हीलर बन गई हूँ ये मेरी आइडेंटिटी है टू सर्व पीपल टू लुक आफ्टर पीपल टू हेल्प देम टू ओवरकम थिंग्स तो ये क्या मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी है तो अगर आप देखेंगे अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आपकी आइडेंटिटी समझ में आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में वो आइडेंटिटी आपकी बाहर निकल के आई होगी चाहे आपने कुछ भी अक्वायर कर लिया चाहे आपने कुछ भी हासिल कर लिया इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल सेटअप इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली सेटअप वॉटर वो तो एक है आपने अचीव कर लिया आपने वो हासिल किया लेकिन आपको हमेशा लगेगा कि एक चीज आपकी है एक तरीका है आपका जो कि मे बी इवन आपके फैमिली मेंबर्स करेंगे आप खुद भी क्योंकि दैट इज़ हाउ आई फंक्शन ओके सो ऑफको देर आर सोल सोलिटेक्ट जो हम कोर्स के दौरान भी करेंगे सो दैट्स हाउ आई ऑलवेज फंक्शन राइट वो ही मैच मेरा करंट स्टेटस है इन स्पाइट ऑफ ऑल दई है तो वो आइडेंटिटी हमारे साथ हमेशा रहती है वो कभी भी छोटी नहीं हम राइट right? सो so, ये हम कैसे करेंगे व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइफ जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं ध्यान से कुछ समय गुजारते हैं कुछ क्षण गुजारते हैं टू लुक एट हाउ आवर लाइफ हैज गॉन व्हाट वे इट हैज गॉन क्या-क्या उसमें हुआ क्या-क्या तरीके से हमने चीजों को हैंडल किया सो मेडिटेशन प्रेयर मेमोरीज ये सब चीजें जब हम हाँ बहुत बारीकी से देखते हैं तो हमको ये चीजों का ज्ञात होता है जैसे कि तविशा ने कहा कि हाँ मैं बहुत एक दो साल से मेडिटेशन कर रही हूँ एक दो साल से मैं पूछ रही हूँ एक दो साल से मैं देख रही हूँ सो शी इज ट्राइंग टू सर्च फॉर द आंसर्स और उसके लिए तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को ध्यान से देखोगे राइट पर टाइम तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं वी आर बिजी सोल्स राइट तो कहने के लिए वी आर बिजी सोल्स वी आर बिजी बींग्स पर वी डोंट नो वॉट इज द बिजी ऑफ द सोल करेक्ट सो ये चीजों को हम जब ऐसे करेंगे तब हमको होगा तो ये जब हमारे इंट्यूशन को हम टैप करेंगे देन वो इंट्यूशन हमको क्लू देता है कि कहाँ पे हम अलग तरह से जा रहे हैं या क्या हमारा पर्पस है वाई आर वी हेयर फॉर वट पर्पज ओके नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर हमने अपने सोल पर्पस को ढूंढ भी लिया पता भी लगा लिया उससे हमको क्या फायदा हो जाए ठीक है हम अपनी लाइफ उस हिसाब से जी लेंगे ठीक तरह से जी लेंगे सो so, आप एक चीज समझो जब आप कोई डेस्टिनेशन पे जाते हो कोई चीज को घूमने के लिए जाते हो राइट आप कहीं कोई भी स्पेस में गए कोई भी जगह घूमने गए आप एक अपने साथ प्लान लेके गए आपके बच्चे भी खुश होते हैं परिवार वाले भी खुश होते हैं मम्मी ने पूरा प्लान बनाया है कहाँ हम जा रहे हैं क्या क्या देखेंगे क्या क्या करने वाले और सपोज आप वो प्लान खो दो और आपने प्लान खो दिया और इसके कारण आपने कुछ चीजों को देखना भूल गए तो जब आप वापस जर्नी से घर जाओगे तो क्या आप खुश होके जाओगे उस टाइम क्या बच्चे क्रिप नहीं करेंगे अरे मम्मी हमने ये तो देखा ही नहीं ये तो रह गया वो तो रह गया ये करना था ये सब करना था सो बी सम काइंड ऑफ अ देइंडफेक्शन इन योर माइंड कि विच आई शुड है ना जब हम एग्जाम भी लिखने जाते हैं तो अगर हमारे कुछ पेपर में क्वेश्चन छूट जाए आंसर नहीं दे पाए तो हमको लगता है अरे ये तो आंसर आता था ये कर लेती थी ये कर लेती थी तो इतने मार्क्स मेरे आ जाते थे राइट सो द सोल ऑल्सो ऑब्वियसली जब वो ये लाइफ को छोड़ के जाएगी और जब वो ऊपर जाएगी तो वो वहां पर उसको इस बात का पछतावा तो होगा कि बहुत सी चीजें वो नहीं कर पाई जो उसको करनी चाहिए और अगर वो उसने बहुत सारी चीजें कर ली और की एज पर द प्लान तो वो खुश भी होगी वो हैप्पी भी फील करेगी राइट right? so, you know सो दैट्स व्हाट इज द एडवांटेज व्हेन यू नो दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू अकम्पलिश यू से टिक 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 फॉर ऑल दीज थिंग्स आई हैव डन एंड यू गो हैप्पीली बट व्हेन यू हैव नॉट डन यू हैव अ फियर कि दे मे बीन सो मेनी थिंग्स क्या क्या मुझे करना था मैं तो भूल ही गई ये सब नहीं किया होगा और अब मैं ऐसे दिमाग से जा रही हूँ तो वहाँ पे जाके तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी हंड्रेड परसेंट राइट right? क्योंकि हमको तो बताया गया हेल, ये सब हमको अंदाजा है तो हमको लगता है कि वो तो पनिशमेंट घर ही है वहाँ पे तो पूरे प्रिंसिपल टीचर सब कुछ होते हैं दे जस्ट गिव यू मार्क्स फॉर एवरी थिंग एंड इफ यू हैव नॉट डन एनी नेगेटिव मार्किंग तो इमीडिएटली हो जाएगा

तो देर आर डिफरेंट वेज जिस तरह से हम सोल को रीच कर सकते हैं या हम करेंगे इस कोर्स के दौरान अफकोर्स हिप्नोथेरेपी हिप्नोसिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे जब आप पास लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोथेरेपी के थ्रू करते हैं सो यू कैन रीच द लाइफ बिफोर लाइफ लाइफ आफ्टर लाइफ लाइफ ऑफ द सोल इन दैट प्लेस जहाँ पे वो जाती हैं आफ्टर हम बहुत बार ये सब मेथड्स करते हैं जहाँ पे हम सोल को कॉन्टैक्ट करते हैं सोल से कनेक्ट करते हैं इनफैक्ट हम काफी बार जब सोल्स यहाँ से जाने को तैयार नहीं होती है या अटकी होती हैं ये सब भी हम बहुत कुछ उसमें करते हैं थीटा में हम लोग करते हैं सोल फ्रैगमेंट्स को सोल कनेक्शन को सोल ब्रोकन सोल्स को ये सब बहुत सारी मोटा किए जाती है शमानिज्म में भी हम सोल्स के को कांटेक्ट करते हैं और सोल्स के साथ इस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को नॉट जस्ट अपनी सोल बट इवन ऑफ द अदर नॉन मटेरियल थिंग्स वूम हीलिंग इज कोर्स व्हेन वी डू हिप्नोथेरेपी आल्सो वी आर कनेक्टिंग टू द वूम एंड दैट्स द टाइम व्हेन द सोल इज कमिंग एंटरिंग दिस लाइफ राइट तो वो कनेक्शन और इवन कनेक्शन ऑफ द सोल व्हेन इट डिपार्टेड फ्रॉम द लास्ट लाइफ हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं सो देफॉर यहाँ पर मैंने एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स की है विच विल इन्वॉल्व ऑल दीज हीलिंग मोडालिटीज इन डिफरेंट वेज एंड देन वी विल अप्रोच द सोल अब क्वेश्चन है कि हम इस पर्टिकुलर चीज में क्या क्या पढ़ेंगे सो ऑफ कोर्स हम कोर्स कंटेंट होगा वी विल कम टू नो के सोल क्या है कितनी तरह की सोल्स होती हैं फिर देर आर सम सोल्स जो बिगनर सोल्स कहलाती हैं इंटरमीडिएट सोल्स कहलाती हैं एडवांस सोल कहलाती हैं सोल की एक फैमिली होती है कौन डिसाइड करता है कि लाइफ हमको कौन सी चाहिए कैसी चाहिए कहाँ पर चाहिए किस तरह से हम पैदा होने वाले हैं किस जगह पे पैदा होने वाले हैं क्या हमारी बॉडी रहेगी वो सारी प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ जब हम बर्थ लेते हैं रीबर्थ जो हमारी अगर एक लाइफ खत्म होती है उसके बाद तो जो हमारा प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ वो एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द डेथ एंड डिपार्चर जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहते हैं जब जानते हैं जाना चाहते हैं तो अलग बात है जाना तो कोई नहीं चाहता लेकिन जब हम जा रहे होते हैं तो कैसे हमारा यहाँ से जाना होता है तो उसमें कुछ सोल्स होती हैं जो डिस्प्लेस सोल्स होती हैं जो थोड़ी भटकी भी होती हैं जिनको बहुत मुश्किल होती है सो so, सारी प्रोसेस क्या क्या तरीके होते हैं जब हम यहाँ से जाते हैं हमारी ओरिएंटेशन कैसे होती है दूसरी दुनिया में वहाँ पे हमारा कैसे प्लेसमेंट होता है कैसे ट्रांसिट होता है कौन से हमारे गाइड्स होते हैं तो लाइफ आफ्टर डेथ लाइफ बिफोर डेथ लाइफ आफ्टर लाइफ देर आर सो मैनी लाइफ राइट सो हमारा सोल का ब्लू प्रिंट हमको कैसे पता चले क्या ब्लू प्रिंट है क्या है और उसी की वजह से हम अपने सोल पर्पज या डेस्टिनी से अलाइन हो पाएंगे सो दे देर आर केस स्टडीज विच आर ऑफ अदर पीपल विद द एग्जाम्पल्स बट हम खुद की भी खुद को भी एक केस बनाएंगे

ओके, okay. सो so, इसके लिए अफकोर्स आपको शांति पूर्वक बैठना होगा क्योंकि वो तो शांति पूर्वक तो बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है ना उसके बिना तो हमारे किसी चीज से हम कनेक्ट नहीं कर सकते और वैसे भी हम सब शांति में ही हैं ज्यादातर सब एकदम शांत बैठे हैं राइट right? सो so, इससे बढ़िया मौका हमको मिल नहीं सकता है सो so, लोग सब शांति से बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए क्योंकि जब हम आंखों को बंद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रयास करते हैं कि हम अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट कर पाए जब हमारी आंखें खुली रहती हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है लोगों पे पे चीजों पे और जब हम आंखे को बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बता रहे हैं कि आई एम क्लोजिंग माई आईज सो दैट आई कैन फोकस इंटरनली अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन क्योंकि ऐसी पोजिशन में बैठे जहाँ पे आपको दिक्कत ना हो तकलीफ ना हो आप आराम से कुछ क्षणों के लिए बैठ सकें अपने मोबाइल फोन अपनी चीजों को जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है उनको दूर रखिए अपने कमरे का दरवाजा बंद रखिए और आप शांति से अपनी अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आइए और जब आप अपने अंदर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट ध्यान आपके ब्रेथ पे जाता है क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आप कंटिन्यूसली लेते और देते हैं जिसका आदान प्रदान आपका चलता रहता है इस दुनिया के साथ सु जस्ट टेकें फ्यू डीप ब्रेथ्स विच इज यो आर डूइंग कॉन्शियसली विथ योर कॉन्शियस माइंड एनालाइजिंग हाउ यू आर टेकिंग योर ब्रेथ तो बड़े ध्यान पूर्वक अपने ब्रेथ को लीजिए और जब हम ब्रेथ को ले रहे हैं अपने स्वास्थ्य को अंदर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अच्छी हवा ले रहे हैं फ्रेश एयर ले रहे हैं और यही हवा हमारे शरीर को तंदुरुस्ती प्रदान कर रही है हेल्थ प्रदान कर रही है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और जैसे ही ये फ्रेश हवा हमारे अंदर घुसती है उसके साथ ही हमारे अंदर जो हवा जो काफी समय से रुकी हुई थी जिसमें वो एनर्जीज हैं जो कि नेगेटिवली हमको अभी तक इन्फ्लुएंस कर रही थी इन टर्म्स ऑफ स्टेग्नेटेड एनर्जीज वो हम बाहर फेंक रहे हैं सो एनी काइंड ऑफ अ थॉट, एनी काइंड ऑफ अ फीलिंग जो कि हमें हमारे जगह पे अभी स्टकनेस महसूस कर रहा था वो चीज़ों को हम कॉन्शियसली अपने बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं सो कॉन्शियसली वी आर ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर फ्रेशनेस हेल्थ अबंडस एंड वी आर थ्रोइंग आउट वॉट इज नॉट रिक्वायर्ड पायस वो सारी चीजें जो जिनकी हमको जरूरत नहीं है अब जब आप ऐसे दो तीन बार कर लेते हैं तो अब आप महसूस करिए कि आपके ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर एक प्रकार की स्थिरता आ गई है स्टेबिलिटी। सडनली योर कॉन्शियसनेस इज वेरी मच इनसाइड यू आप अपने आप को ज्यादा सेंटर्ड ग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं अब जब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और आपकी आंखें बंद है विदीज आईज ट्राई टू सी इन साइड अपनी बॉडी के अंदर बाहर तो हम बहुत बार देखते हैं बाहर बहुत रोशनी है हमें पता है बाहर कैसा चीजें लगती हैं, पर शरीर के अंदर देखने के लिए हमारी हिम्मत नहीं होती क्योंकि अंदर तो क्या होगा ऑर्गन्स ब्लड वाटर और और कुछ खाना पीना सब जो हमने खाया है उसे देखने से हमें क्या अच्छा महसूस होगा शायद नहीं लेकिन फिर भी हम अंदर की तरफ ध्यान दे रहे हैं और जब आप अंदर की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आप ये भी महसूस करिए कि अंदर जगह भी बहुत है जिसका एहसास अभी तक आपको नहीं था आपको लगता था कि आपके सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से बहुत जड़े हुए जुटे हुए जकड़े हुए ऐसे हैं बट देर इज अ स्पेस बिटवीन ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड इन दैट स्पेस देर इज एयर देर इज वैक्यूम मॉनसून there is stillness also. So start to sense that space अपने अंदर जो वो जगह है उसको sense करने की कोशिश करिए हर एक ऑर्गन के बीच में जो एक उंगली या फासला है उस फासले को महसूस करने की कोशिश करें यहाँ पे आप कुछ जज नहीं कर रहे हैं ना ही आप कुछ निर्णय ले रहे हैं ऐसा नहीं कि मेरा हार्ट कैसा लग रहा है मेरा लंग कैसा लग रहा है क्यों अलग हो रहा है ऐसा कुछ नहीं सिर्फ आप कॉन्शियस हैं कि देर इज अ स्पेस इनसाइड और अगर कुछ भी दिमाग में विचार अभी भी आ रहे हैं तो जस्ट अलाउ देम टू गो स्लोली स्लोली आउट ऑफ यू अलाउ देम टू पास अब आपके थॉट्स जो है वो जैसे जैसे जा रहे हैं आपका ध्यान और बारीकी से अपने शरीर पे लग रहा है और आप उस स्पेस को और ध्यान से देख पा रहे हैं आप कोशिश करिए कि जो आप श्वास ले रहे हैं विद दैट ब्रेथ यू आर इंक्रीजिंग दैट स्पेस आप उस स्पेस को बढ़ा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हवा अच्छी हवा जा रही है वो हवा ट्रेवल कर सके इसलिए वो स्पेस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो जब हवा का आप रुख को देख पा रहे हैं उस स्पेस से जाते हुए अपना जस्ट फील के जहाँ जहाँ से हवा गई वो स्पेसेस से उन स्पेसेस में आप वाइट लाइट डाल रहे हैं सो जस्ट स्टार्ट फीलिंग इन दो स्पेसेस थ्रू विच जिसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर हवा आराम से इधर उधर घूम रही है वहां जगहों पर आप अब एक लाइट को देख रहे हैं और वो जगहों को उस लाइट से भरते हुए देख रहे हैं वो लाइट चाहे आप सफ़ेद लाइट देखना चाहते हैं लाल लाइट देखना चाहते हैं पीली जो भी रंग की पर जस्ट आपको इमेजिन करना है आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं ऑर्गन्स के बीच में स्पेस है आप हवा ले रहे हैं तो हवा को जाना है अंदर हवा जाने के लिए थोड़ी जगह होनी ज़रूरी है सब ऑर्गन्स के बीच में तो देर इज अ स्पेस और जैसे जैसे हवा अच्छी तरह से जा रही है वैसे वैसे ये स्पेस आपको अच्छी तरह से बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आप इस स्पेस में आप एक लाइट्स भर रहे हैं जैसे कि कोई फ्लोरेसेंट लाइट्स आप उसके अंदर आप घूमते हुए देख रहे हैं और जैसे जैसे वो बढ़ रही है वैसे वैसे इस लाइट को एक्सपैंड होते हुए देखिए सो जैसे आपके पूरी बॉडी के अंदर दैट लाइट इज गेटिंग एक्सपैंडेड एंड दिस यू आर कंट्रोलिंग विद योर इनहेलिंग एंड एक्सलिंग मतलब आप देख सकते हैं जब आप श्वास ले रहे हैं हवा आती है लाइट और बढ़ती है फैलती है फिर हवा बाहर जाती है लाइट थोड़ी पास आती है जैसे आपकी बॉडी मूव करती है विद इनहलेशन एंड एक्सलेशन द सेम वे वो लाइट भी जो है आपके शरीर के अंदर बढ़ेगी घुटे घटेगी बढ़ेगी घटेगी

और जिसके कारण आपके हर सेल हर ऑर्गन को उस लाइट का कुछ प्रोजेक्शन मिल रहा है और जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स भी वो लाइट को महसूस कर रहे हैं और वो लाइट के द्वारा वो भी धीरे धीरे चमक रहे हैं, उनमें भी एक चमक सी आ रही है तो अभी तक जो ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे थे जो भी रंग में जो भी कलर में जो भी फॉर्म में पर जैसे जैसे आपने उनके आसपास लाइट को देखा और वो लाइट को जैसे जैसे उनके अंदर एक प्रकार से घुलते मिलते हुए देखा है तो वैसे वैसे आपको वो ऑर्गन्स वो लाइट की चमक के द्वारा चमकते हुए दिखाई दे रहे तो आपका हाँ पूरा जो अंदर का शरीर है इस लाइट के द्वारा चमक रहा है एज All of them are receiving something from this light. अब इस लाइट की रोशनी इतनी चकाचौंध हो रही है कि आपका शरीर जो है वो अंदर से पूरी तरह से इस रोशनी के द्वारा चमक रहा है और वह रोशनी आपके शरीर के इन ऑर्गन्स में ही नहीं बल्कि ट्रेवलिंग टुवर्ड्स जो माइंड भी जा रही है सो so, ऊपर से नीचे तक उस लाइट का प्रभाव है और अब आपको ये जो शरीर का जो आउटर पोर्शन है जो शरीर का जो लाइनिंग है जो शरीर की एक डायमेंशन है उस लाइट के द्वारा वो डायमेंशन कहीं आपको अब नजर ही नहीं आ रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइट ही है बिसाइड्स लाइट नथिंग एल्स कुछ और है ही नहीं अभी तक तो आप हमेशा ऐसा महसूस करते थे कि आपका एक शरीर है शरीर का एक बाहर का दायर्या है उसकी एक डायमेंशन है उसकी एक लाइन है उसकी एक बाउंड्री है पर अब आप आपको ऐसा लग रहा है कि देर इज नो बाउंड्री देर इज नथिंग इट इज ओनली प्योर लाइट बिकॉज वो लाइट इतनी पावरफुल हो गई है कि वह आपके पूरे शरीर में उसने कब्जा कर लिया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ना आपको कोई ऑर्गन्स दिख रहे हैं ना आपको कोई समझ आ रही है एवरीथिंग इज नाउ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट लाइट एज अ दैट लाइट इज नाओ हैंग अ कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड बॉडी और जब वह कंट्रोल आपके लाइट के द्वारा आपकी बॉडी और माइंड पे है नाउ इज अ टाइम व्हेन यू कैन आस्क दिस लाइट व्हिच इज एक्चुअली योर सोल टू प्रोवाइड यू विद अ गाइडेंस क्लैरिटी रिगार्डिंग योर लाइफ बिकॉज नाउ यू हैव नो अब आपको ये परिभाषा कि मेरा माइंड है मेरा बॉडी है मुझे मेरी बॉडी में रहना है मेरी बॉडी के साथ काम करना है बॉडी ही सब कुछ करती है वो सब परिभाषा आपकी अब बदल गई है अब आपको सिर्फ ये पता है कि आप एक लाइट बीइंग हैं आपकी ये परिभाषा कि आपकी फिजिकल बॉडी है वो कहीं ना कहीं अब गुल हो गई है सो so, अब आप, आप उस जो लाइट है उस लाइट के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू करिए जस्ट फील एज इफ कि आप उस लाइट के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि वही महत्वपूर्ण चीज है जब आपकी लाइफ में अब वही है और कुछ है ही नहीं और जब वही है तो वही सबको जानती है कि आपको क्या करना है आप क्या किस लिए हो यहाँ पर और क्या करने वाले हो So, जो भी मन में सवाल है अब आप इस लाइट से पूछिए एंड जस्ट सी हाउ यू आर गेटिंग द आंसर्स, व्हाट आर यू फीलिंग और जब आप उस लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं हो सकता है आपके मन आपका जो भी इस समय ध्यान है मन है जो भी आप जिस चीज से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं जो अपने आप को आप समझ रहे हैं तो अब वो लाइट को वो इतनी पावरफुल है आपके सामने तो अब आप उसके ऊपर आश्रित है वो आप पे आश्रित नहीं है तो एक तरह से आप उससे निवेदन कर रहे हैं आप उससे चीजें पूछ रहे हैं।, आप उससे हैं।, आप उससे हैं।, आप उससे हैं अभी तक तो आप अपने हाथों के द्वारा हीलिंग करते थे अपने दिमाग के द्वारा हीलिंग करते थे अपने चक्रास के द्वारा हीलिंग करते थे आज पहली बार आपके सामने इतनी पावरफुल लाइट खड़ी है जो कि जिसकी वजह से आप अपने आप को नहीं देख पा रहे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बॉडी माइंड आपका किधर है सो थोड़े टाइम आप इसी तरह से खड़े होकर उससे पूछिए उससे कनेक्ट करिए और जब आपको लगे कि आज आपको जो भी मन में अगर कोई सवाल था या अगर सवाल भी नहीं आपको उसका जवाब भी नहीं मिला तो एटलीस्ट आप उस लाइट को देख पाए उसकी प्रतिभा को समझ पाए वो कितनी विशाल है उसको आज समझ पाए और कितना कुछ उसके पास है विजडम उस चीज को आज आप देख पा रहे हैं भले ही आप कोई जवाब नहीं पूछ पागा जवाब आपको नहीं मिला या प्रश्न नहीं आप पूछ पाए पर फिर भी आज आप उस लाइट से कनेक्ट हो पाए और उस लाइट किस प्रकार से आपके अंदर वो हर कण कण में है उस चीज को देख पाए उसको महसूस कर पाए और इस चीज को भी महसूस कर पाए कि आपका शरीर और आपका दिमाग उसके सामने कितना छोटा है और उसकी कुछ अहमियत नहीं है उसके सामने पर फिर भी आपका शरीर उसको संभाले हुए है आपका दिमाग उसको अपने संभाले हुए है और इसीलिए हमें इस अनमोल रत्न को कहीं ना कहीं अपने इस शरीर के अंदर ही रखना है तो इसलिए जरूरी है कि हम वापस अपने शरीर में आए तो अब हम जब उससे मिल चुके हैं वापस बाद में कभी भी मिल सकते हैं लेकिन अब हम अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर लाएंगे आप so उस लाइट को कंस्ट्रेंट नीचे होते हुए देखिए धीरे धीरे उसको जैसे कि वो एक साथ कंसोलिडेट हो रही है कलेक्ट हो रही है और जैसे जैसे वो कलेक्ट हो रही है तो वैसे वैसे उसका जो भी पकड़ थी और चीजों पर वो कमजोर हो रही है और वह अपने आप को एक जगह पर एक स्थान पर एक तरह से सीमित कर रही है जिससे कि आप वापस से अपने उस मटेरियल वर्ल्ड में आ सकें और अपने उस फिजिकल बॉडी से कनेक्ट कर सकें सो स्लोली स्लोली फील दैट बिकॉज दैट लाइट इज सो पावरफुल यू कैन नॉट रिमेन इन दैट लाइट ऑलवेज और आप उसमें इतनी विजडम है इतनी चीजें हैं तो कहीं जिस तरह से आपका सुपर सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के से दबा रहता है नीचे रहता है आप जब एक्सेस करना चाहते हैं तभी आप जाते हैं इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू यू इन दिस वर्ल्ड इट्स ओनली वेन वी अप्रोच इट तभी वो आता है उसी तरह से आप जब इस सोल को कांटेक्ट करना चाहेंगे जब उसके साथ मिलना चाहेंगे जुड़ना चाहेंगे तो आप उसको उसके पास जाएंगे पर तब तक के लिए आप वापस अपने इसी फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल बॉडी अंदर वापस आएंगे बॉडी so और स्लोली स्लोली आपके फिजिकल बॉडी के वही ऑर्गन्स वापस आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में जो गैप है जहां पर लाइट थी वो लाइट अब थोड़ी कम हो गई है लेकिन है पर क्योंकि आपको आपको अब अंदाजा है कि ये लाइट प्रेजेंट है तो आप आप उसको महसूस कर सकते हैं बट विद इन दैट बाउंड्रीज और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में अपने आप को वापस आते हुए फील करिए तो उसके लिए जस्ट फील दैट एंटायर बॉडी यू आर बैक इन दैट फिर अपने दोनों हाथों को अपने पास लाकर दोनों को एक साथ मलकर अपनी आंखों पर लगाइए एंड यू कैन ओपन योर आईज़ ओके आई डोंट नो आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ हो सकता है नहीं हुआ और हो सकता है हो हुआ भी हो अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं अदरवाइज वी विल एंड द क्लास फॉर टुडे मतलब द वेबिनार वी विल या सो मेघना आपने जो लिखा है कि वी आर अवेयर ऑफ द यू आर अवेयर सम वॉट अवेयर ऑफ योर सोल पर्पज बट इट्स चैलेंजिंग टू फोकस ऑन इट विद सो मेनी डिस्ट्रैक्शन सो दैट्स द रीजन कि हमको वो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करना पड़ता है टू कनेक्ट टू आर सोल क्योंकि ऑब्वियसली हम uh, जैसे कि हीलिंग भी हम करते हैं जब हमको खुद की हीलिंग करनी होती है या हमको अपने चक्रास को बैलेंस करना होता है या हमको कोई भी uh, ऐसी एक्सरसाइज करनी होती है जिस जो कि हमारे लिए है चाहे इट मे बी इवन इन टर्म्स ऑफ़ टेकिंग केयर ऑफ आर हेल्थ या डूइंग अ कंस्ट्रक्टिव वॉकिंग एक्सरसाइज रेजिमेंट और फॉलोइंग एक्सरसाइज रेजिमेंट और वट एवर ऑल दीज हर चीज जो है इट रिक्वायर्स अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट बिकॉज समवेयर हमारा डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज अवेलेबल होता है हमको इन दिस वर्ल्ड बाई डिफरेंट थिंग्स सो वो पॉसिबल तभी होता है जबकि हम एफर्ट लगाए बट इट इज नॉट कि इट के नॉट बी डन और या उसको करना संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है बट सोल इज वन थिंग जो हम सबसे लास्ट में सोचते हैं क्योंकि हम सबसे पहले तो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट हमारी मेंटल रिक्वायरमेंट्स हमारे आसपास लोगों की रिक्वायरमेंट्स उस सब पे ध्यान देंगे सोल के बारे में तो हम सबसे लास्ट में सोचेंगे जबकि वो सबसे पहली चीज होनी चाहिए जिस चीज का हमको अंडरस्टैंडिंग uh, होनी चाहिए या कनेक्शन होना चाहिए ओके सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग द वेबिनार एंड होप uh, आप लोग के कुछ सवालों के जवाब मिल सके हो आपको या कुछ भी uh, मिल सके uh, and, uh, of course अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं uh, मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है मेडिटेशन करवाते हो उसका मेरा मन नहीं लगता है के उसी समय हर तरफ ध्यान जाता है सुन रहा हूँ मनोज मनोज बोल रहे अच्छा ओके आ, मतलब आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान नहीं जाता है वैसे मेरा ध्यान रहता है आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ आप मेडिटेशन के लिए आप बंद करने के लिए कहेंगे उसी समय मुझे सारी चीजें ध्यान आते हैं उसी तरफ उसी समय ही मेरा ध्यान हर तरफ जाता है हम्म ओके मतलब आपका ध्यान जाता है कि दिन में क्या क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा क्या है, है या ये चीज या, करनी या, थी ऑफिस में ये, 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 ये बात हुई या सो ठीक है सो so, आपको एफर्ट करना है देखिए थॉट्स जो हैं वो आते ही जाएंगे अगर आप माइंडफुलनेस में या किसी और भी कई मेडिटेशन में है कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि आपको अपने थॉट्स को बंद नहीं करना चाहिए उनको अलग नहीं करना चाहिए हटाना नहीं चाहिए आप नहीं। को आने दीजिए आने दीजिए एक समय आएगा जब आपके वो थॉट्स का जो प्रोसेस है वो खत्म होगा सो वॉट आई विल आप ये मत सोचिए कि आप ही थॉट्स आ रहे हैं तो विल दे कंटिन्यू और इसलिए आप वो चीज को छोड़ दें आप वो प्रैक्टिस में मेडिटेशन में बैठे रहेंगे ठीक है थोड़ा टाइम बाद ऐसा होगा कि आपके वो जो थॉट्स है ना वो कम हो जाएंगे धीरे 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 कम होएंगे, फिर कम से बिल्कुल नहीं बचेंगे ये सिचुएशन आएगी ये मेडिटेशन जो है वो एक एफर्ट होता है एक एक मतलब इंसान को प्रैक्टिस के साथ ही धीरे धीरे उसकी मेडिटेशन करने की जो प्रतिभा होती है वो बेटर होती है इट इज नॉट के कई लोग होते हैं वो मेडिटेशन आसानी से कर लेते हैं कई लोगों को uh, बहुत भीड़ भाड़ भाड़ में भी वो खड़े होते हैं तो भी वो मेडिटेशन कर लेते हैं कई लोग आंखें खोल के भी मेडिटेशन कर लेते हैं Uh, कई लोग uh, को uh, चाहे वो एकदम शांत जगह पे भी बैठे हैं तो भी उनका दिमाग इधर उधर जाता है सो इट्स नथिंग देर इज लॉट ऑफ थॉट्स इन द माइंड तो अफकोर्स so, हम काफी एक्सरसाइजेस ऐसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ के जहां जहाँ पे आपके जो जो थॉट्स हैं उसको कैसे कैसे हम लोग उसको टैकल uh, कर सके तो एक तो आश्वासन आपके ब्रेन को ये देना ही है आपको कि जो भी मेरे थॉट्स आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप उनको हैंडल नहीं करने वाले हो ओके okay. क्योंकि अपना ब्रेन सोचेगा कि आप तो अभी मेडिटेशन में बैठ गए अभी आप मेरा तो ध्यान देने ही नहीं वाले हो जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो तो इतना इंपॉर्टेंट है आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो उसके बदले आप मेडिटेशन कर रहे हो बैठ के है ना तो दैट शुड नॉट बी द थिंग आप अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि ठीक है इट्स नॉट कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो आप जो बोल रहे हो जो भी चीजें दिखा रहे हो जो जो चीजें बाकी हैं वो सब सब इम्पोर्टेंट है Right. पर मुझे सिर्फ दस मिनट का टाइम चाहिए लेट मी फोकस ऑन सर्टन अदर थिंग्स और फिर मैं तुम्हारा ध्यान देता हूँ ओके yeah. right. yeah. uh, okay, आपको लगा आपकी नेबल के थ्रू कनेक्ट कर रही है ओके नो प्रॉब्लम आपकी सोल आपसे कहीं से भी कनेक्ट कर सकती है अगर आपको नेवल एरिया में लगता है आपकी फीलिंग आ रही है तानिया तो वेल एंड गुड सॉरी एक आई डोंट नो आई कुड फील वार्म डेजी सॉरी यू फेल्ट वॉर्म एनर्जी इन योर हैंड्स ओके सो मतलब आपको ऐसा एहसास आपको क्योंकि आपके और जो पार्ट है ऑब्वियसली आप टच नहीं कर रहे हो पर आपको लगा कि जैसे ही आपकी सोल आपके अंदर जो लाइट आई उससे आपकी बॉडी के अंदर एक गर्माही सी आ गई इज दैट आप वो बोलना चाहते हो दैट इज वॉट यू आर ट्राइंग टू से वॉर्मनेस इन योर सेल्फ है ना या सो विच इज अ वेरी गुड फीलिंग सी क्या होता है बॉडी इज कोल्ड जब हमारी बॉडी कोल्ड होती है चाहे वो हमारे हाथी हों चाहे वो हमारी बॉडी uh, के कोई भी पार्ट्स भी हों तो कोल्डनेस इज समवेयर अंडिकेशन ऑफ दैट आर बॉडी एनर्जी इज लोअर ओके दैट्स वाई अमंग द ओल्ड पीपल जैसे जैसे लोग ओल्ड होते हैं या इवन इवन फॉर दैट मैटर

uh in between i was uh not getting the uh the warmth which uh i felt today you know after a, a, quite a long time uh, Okay. so uh, that is why i wrote to you that i felt that energy again which is uh you know b which i was not feeling in between because uh in between i was unwell also so okay due to maybe due to those reasons also i was not practicing or something or the other which was getting hindered uh -huh. so i uh -huh. was not feeling that energy in me okay so good so you, you that means somewhere uh, you have got back your energy you have got back that realization right and yeah. your body is also picked up that momentum right

तो वैसे वैसे हमारी बॉडी में कोल्डनेस आ जाती है सो कोल्डनेस इज नॉट अ इंडिकेशन ऑफ अ गुड थिंग इट्स सम शोइंग दैट वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स टूवर्ड्स यू नो वी आर एजिंग एंड वी आर मूविंग सो अच्छी बात है अगर आपको वो महसूस हुआ है एंड यू आर बिकॉज यू आर नॉट वेल एज यू सेड तो यू आर अनएबल टू एक्सपीरियंस बट आप वापस से ठीक हो गए हो सो यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट Good. और किसी को कुछ पूछना है कुछ कहना है सो so आप बोल सकते हैं या सो वेबिनार ऑफ कोर्स आप अगर कोई ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे आई मीन देर आर व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो जिसके अंदर सारा uh, जो भी वेबिनार होने वाले होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है सो देर आर नंबर ऑफ वेबिनार्स अलग अलग तरीके के होते हैं दे विल दे आर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली हमारे होते ही रहते हैं बिफोर द लॉन्च ऑफ एनी न्यू सब्जेक्ट और एनी न्यू कोर्स

uh there is another teacher ujala ji hai she is a good teacher and she teaches past life regression therapy i am uh, i mean i know past life regression therapy and of course in this uh, course also we would be doing some part of past life regression therapy in the sense that we will be using it as a modality to reach our soul so hypnotherapy we will be using yeah hypnosis so uh, awesome. haan, yes So, uh, गे सो so उसमें वो आएगा ही बिकॉज कई जगह पे हमको पास लाइफ में याफ्टर लाइफ और लाइफ बिफोर लाइफ ये सब हमको एक्सेस करना ही होगा सो so, uh, uh, वो होगा बट एज अ कोर्स आई डोंट टेक इट हियर ओके थैंक यू ओके निकिता यू वॉन्ट टू नो द कोर्स कंटेंट ना एक मिनट ओके सो बेसिकली कोर्स कंटेंट इज ऑल अबाउट द सोल ओनली तो हम सोल क्या है वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल होती हैं सो उसमें दोलटाइप्स ऑल्सो सेवन आर्टाइप ऑफ सोल्स सो वी विल टॉकिंग अबाउट द बिगनर सोल द इंटरमीडिएट सोल द एडवांस सोल फिर सोल फैमिली किस तरह से डिसाइड होती है कौन कौन से लोग कैसे फैमिली आते हैं अलग अलग लाइफ्स में इस लाइफ में हाउ वी हैव कॉमन मेंबर्स इस तरह से बात होगी फिर कौन डिसाइड करता है कि हम जब लाइफ में आने वाले होते हैं तो हम कैसी लाइफ लेंगे किस तरह का हमारा लाइफ होगी क्या हमको जीना है क्या क्या चीज़ों को हमको देखना है क्या क्या चीजों से हमको जाना है किस तरह के हम अपने फैमिली मेंबर्स को चूज करेंगे सिचुएशंस को चूज करेंगे इवेंट्स को चूज करेंगे लाइफ किस तरह से बहेगी वो सब और तो हमारा ट्रांजिशन प्लेसमेंट्स हमारे कौन कौन गाइड्स होते हैं हेल्पर्स होते हैं इस दुनिया में नहीं जब हम दुनिया को छोड़ के भी जाते हैं तो भी वी हैव गाइड्स एंड एड्स हु आर ऑलवेज मॉनिटरिंग और लुकिंग आफ्टर अस आई से मॉनिटरिंग वर्ड बट इट इज बेसिकली मेंटरिंग अस मेंटर्स की तरह होते हैं सो लाइफ आफ्टर द डेथ एंड लाइफ क्या क्या सोल कैसे जाता है किस तरह से कहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं और ये सब कुछ सोल के बारे में इंक्लूडिंग हमारा लाइफ में हम इस लाइफ में जो है क्या पर्पस है सोल का और हम कैसे उससे मिल सकते हैं और जुड़ सकते हैं तो ये जितनी भी चीजें होंगी दीज विल नॉट बी अफकोर्स थ्योरी विल बी शेयर विद यू बेस्ड ऑन वट पीपल हैव 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 पीपल पीपल सीन अदर डन पर आपका खुद का भी एक्सपीरियंसेस होगा सो वी विल बी यूजिंग डिफरेंट मोडेलिटीज जिससे कि आप वो सब चीजों को खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते मैम okay? हाँ जी मैम मेरा एक सवाल है हाँ बोलिए हाँ मैम कई बार ऐसा होता है ना कि सोल मधर में आ, एंटर करता है है फिर कुछ हाँ। बाद आ, उ, उसको लगता है कि मेरे पर्पस के ये मेरे पेरेंट नहीं है हाँ। तो हाँ। आ, पर... ऐसा अगर दो दो गर्भ में सोल है उनको लगता है और दोनों को लगता है कि हमें एक्सचेंज करना चाहिए तो वो सोल हाँ। एक्सचेंज करती है मधर वोम वो वो भी ए, पॉसिबल है क्या आ... ये ऑफ कोर्स यहां होता है सोल एक्सचेंज uh, भी सोल uh, छोड़ के भी चला जाता है हाँ आ, वो फिर हाँ, मिसकैरेज हो जाएगा वो तो हाँ हाँ तो मिसकैरेज पे होता है मिसकैरेज so, का नहीं वो सोल एक्सचेंज वाला है वो क्या इस इस कोर्स में वो इंक्लूडेड है सो वॉकिंग सोल्स जो होते हैं वॉकिंग सोल्स होते हैं नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ द होम इवन ऐट दाइम जब आप इस दुनिया को छोड़ के भी जाने वाले होते हो या आप किसी ट्रामा के थ्रू भी जा रहे होते हो तो कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि जैसे कई बार कई चीज लोगों को अपनी चीजें याद नहीं आती हैं और वो बोलते हैं कि आ, मुझे ये पीरियड में भी फ्रॉम थ्री ईयर्स टू सेवन ईयर्स मुझे ध्यान ही नहीं है क्या हुआ था मेरे साथ मैं कैसी थी कहाँ पे थी जबकि मुझे मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और चीज़ों को लेकर और कभी कभी आप कुछ transformations भी देख सकते हो पर्सन वे स्टाइल उसके तौर तरीके उसके कंट्रास्ट uh, uh, होते हैं काफी अलग होते हैं सो so, आपको एक अंदाजा होता है कि yes, मैम तो ये सारी चीजें इस कोर्स में इंक्लूडेड है मैम भविष्य देखो हम कोशिश करेंगे सब कुछ ज्यादा से ज्यादा जितना पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट्स का और हाँ। जितना मतलब वो एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे आपने मेरे देखा है के में ही होते मैं। हाँ। <laughs> वो जितना, जितना वो चाहे गैदर करना शेयर करना आ, उतना बेटर है और उतना हम उतना, चीजों पे उन, उन चीजों पे जा सकते हैं सो वी विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रैक्टिकलिटी रेदर देन पर्पसेस के जो क्लास में है दे शुड बी सैटिस्फाइड कि वो जो चाहते थे सुनना या जो पता लगाना या देखना वो वो महसूस कर पाए तो आप अपने हिसाब से बोलिए और वो हम जरूर करेंगे। अलाइनमेंट में भी आएंगे सोल के क्लोजर भी आएंगे हाँ? हाँ? क्या? हाँ? आ, आ, मतलब ये जो मोडालिटीज के थ्रू आप हमें गाइड करोगे इससे हम अपने सोल के क्लोजर भी आएंगे जैसे हमें हाँ हमें ऑफ इनर कोर्स गाइडेंस मिलती है हाँ 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 यस यस वही पर्पस है ना हमारा मेन राइट पर्पस तो वही है कि हमको अपने सोल के को समझना है सोल के साथ चलना है है ना सोल की तरह चलना पता हाँ। करने हाँ था ना कि अभी हम जो कर रहे हैं जो हम एक्टिविटीज हाँ। कर रहे हैं वो हमारे एक्चुअल सोल पर्पस के अलाइनमेंट में है कि नहीं हाँ करेक्ट करेक्ट राइट

नहीं सबकॉन्शियस हीलिंग मतलब के वो देखो सबकॉन्शियस में क्या होता है आपके जितने भी गुत्थी है अभी तक जो भी जीवन आपने जिए हैं जो भी आपने आ, आ, अलग अलग लाइफ में आप जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो है ना कॉन्शियस मतलब क्या आगे? जो आज आपकी लाइफ है आज की लाइफ जो आपकी है ना करेक्ट जो जीवन आप अभी जी रहे हो और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तो उससे बहुत बड़ा है और वो सब कुछ आपने अभी तक जो भी जिया है जिस प्रकार से जिया है जो भी बिलीव्स हैं जो भी पैटर्न हैं जो भी आपके और इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में वो सब कुछ उसके पास है तो ऑब्वियसली जब हम एक तरह से टैप कर रहे हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड तो कहीं ना कहीं टैप होएगा ही ना हम्म है ना क्योंकि हम कॉन्शियस से दूर जाएंगे ना हम कॉन्शियस में रहेंगे तो तो फिर हम आज पे ही अटके रहेंगे हाँ, पर हमारा पर्पस है कि हमको बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करना है जो उन चीजों से कनेक्ट करना है जो हमारे साथ शुरुआत से है हाँ और, और एक मैम जो हमेशा हम लोग के साथ होते है जे आ, हाँ। एक एक ऐसा मोमेंट होता है कि ऐसा लगता हाँ। है कि वो मोमेंट हो गया है हमारे साथ ऐसा हाँ। कुछ होता है आ, हाँ। वो म, क्या है ये तो मुझे पता है पर उसका डिटेल्स मुझे पता नहीं है ऐसा लगता है कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है पहली पहले लगता है कि पहले हो गया है पर वो प्रेजेंट में हो रहा है अच्छा मतलब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो अभी कुछ चीज हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके साथ अभी नहीं जीवन में घटित हुई थी वो कभी पहले घटित हुई थी बट आप उसको महसूस कर सकते हो आज हाँ राइट right? हाँ हाँ तो so, आप उसमें क्या जानना चाहते मतलब मतलब आप आप क्या uh, आप, uh, so बेसिकली मतलब आपका कोई पास लाइफ का ट्रॉमा है पास लाइफ का कोई पेन है कोई प्रीवियस लाइफ का आपका पेन है जो कि आपके इस जीवन में घटित नहीं हुआ है बट यू कैन फील दैट है ना करेक्ट आप यही ऐसे लग रहा है ऐसा होता है मेरा uh, ऐसा इंसिडेंट होता है जैसे कि कोई मंदिर या कोई रोड में मैं जा रही हूं। एक अचानक से ऐसा लगता है मैं पहले भी वो व, वो रोड में गई और वो टेंपल में गई हाँ हाँ ओके, ओके, सो कहीं ना कहीं आप अपने उस सी इट कैन बी के जैसे कि हम जिन लोगों से मिलते हैं है ना या कुछ लोगों से हम पहली बार ही मिले हैं बट हमको लगता है कि हम पहले से ही उनको जानते हैं राइट उसी तरह तो कहीं ना कहीं आपका जो पहला वही है आपकी जो लाइफ इस लाइफ में आप वहां कभी गए नहीं हो है ना बट नहीं पास्ट कहीं ना कहीं लाइफ में आ, कर, कभी नहीं गई हूँ हाँ हाँ हा, वही कह रही हूँ सो आप पहली लाइफ आपके कोई और लाइफ में आपका कुछ ना कुछ उस चीज जगह से उन लोगों से या उन चीजों से कनेक्शन था और इसीलिए जब आप वो जगह पे जा रहे हो या वो स्थान पे जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन वापस से रिवाइव हो रही है ओके मैम थैंक यू। थैंक यू ओके ये क्या है हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस हम इसमें करेंगे कोर्स uh, ये इट्स नॉट एन हिप्नोसिस कोर्स लेकिन जो हमारा एक तरीका होगा टू अप्रोच द सोल विल बी थ्रू दैट ओनली आई हैव अ वॉकिंग सोल विद इन मी ओके या इट कैन बी सो हाँ सी दिन जो है हम लोगों ने डिसाइड किया है इट विल बी ऑन वन मिनट जस्ट लेट मी यहाँ पे कोई uh, स्टाफ का मेंबर है क्या नेहा या एनी बडी इज देय हाँ तविशा कोई है क्या एक मिनट आई जस्ट टेल यू uh sunday and uh, saturday we uh, friday and saturday uh, sorry friday and wait, wait. the days we had decided um, friday and sunday 530 Yeah uh, Monday, Thursday, I think all five. Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, I think mm -hmm. 530 is already booked. Uh -huh. You'll only so get Friday 30. and Sunday because 530, once Sangeeta Madam's mm -hmm. class is there, then Mojala Madams is on Wednesday and Saturday, 530. Uh -huh. So it is only oh. on Friday and Sunday. Friday and Sunday. Uh -huh. it they is are a the only vacant course. days.

और आ, कभी कभी आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं आ, जो मतलब मेडिटेशंस या जो भी हम करते हैं उसकी और ऑफ कोर्स आप ग्रुप में होते हो तो ग्रुप में आप जो भी पूछना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं लाइव तो आप अटेंड कर ही सकते हो बट आपको रिकॉर्डिंग लेकर भी आप नेक्स्ट डे इट इज शेयर तो क्लास जैसे फ्राइडे होती है तो अगर आपको सैटरडे को रिकॉर्डिंग शेयर होती है और फिर आप वो रिकॉर्डिंग देखकर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं आप क्लास में भी पूछ सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में भी आप बात कर सकते हैं थैंक यू ओके यानी क्लास मैम थर्सडे आल्सो मे बी फ्री थर्सडे आई डोंट नो इफ इट इज फ्री इफ थर्सडे इज फ्री थर्सडे एंड फ्राइडे यू कैन हैव ऑल्सो आई थिंक

when when you you they 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 send the uh, know, then they can add then uh, yes, yes. can can time yes yes tell you, yeah uh, in terms of uh, eight minute Haan, bole, pa, आपको पूरे डिटेल दे, दे देंगे आप जब उनसे yeah. बात करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी आई विल सी मैं पूछ लूंगी अगर थर्सडे को है अवेलेबल तो वी कैन yeah बिकॉज एज आई नो

own soul so it was quite amazing for us to hear when this happened hmm. yeah yes I have experienced it and uh, I was in fact abhi thode din pehle I was reading the book of Shakuntala Modi okay hmm. it's on the past lives and hypnotherapy only so unone likha tha, and which is uh, something which uh, uh, I have experienced but

वो रपचर होता है एंड इट इज नॉट जस्ट रपच्चर फ्रॉम एन एबनॉर्मल इंसिडेंट्स बट इवन वेरी नॉर्मल इंसिडेंट्स ऑल्सो नॉर्मल इंसिडेंट्स कैन बी इवन इन टर्म्स ऑफ वेन यू आर थिंकिंग विद अ कंपैशन फॉर अनदर पर्सन वेन यू आर वर्किंग इन पर्टिकुलर प्रोफेशन ऑल्सो जैसे कि अगर आप एज अ हीलर आप वर्क करते हो और यू आर वर्किंग एज अ डॉक्टर नर्स एक्यूपचरिस्ट थेरेपिस्ट All these places, or uh, even as any of the healing, other healing modalities, you are somewhere accessing the energies. Even when you're doing auto writing, you are interacting with the spirit, doing the communication of the spirit, right? That also at that time. And even in terms of when you're listening to some high voltage music, also, things like music even in terms of you know uh, they can be sometimes from other dimensions when you and they can be voluntary also wherein you allow the other uh, entities or other spirits to be part of you so agar kisi ki bhi layers in terms of the energy field what you will find is that there are many of them not just one or two there are many of such spirits or energies which are within the same person. So, Joe, of course, in terms of the same soul now in the same person, yes, it is a it is I have seen it and it ha does happen. And another question, ma'am. Hmm. Does everybody Need to have a soul? Can there be soulless bodies, soulless humans? No, if you are a living body, then you need to have a soul. So, what you're talking about is the ghost, or you're talking about such things which are existing on this earth, but they have neither the body nor the soul.

आपकी डेथ हुई है आपकी सोल आपकी बॉडी से ऑलरेडी बाहर है ओके okay? सो so अगर आप देखो तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली हम सारी चीजों को ब्लॉक कर देते हैं है ना हम रुईया डाल देते हैं अपने कानों में मुंह में ऑल द एक्सेस पॉइंट्स आपके जो पैर हैं, पैर के दोनों पैरों के टोस को इधर बांध दिया जाता है राइट right? hmm. या आपकी कहीं चोट लगी है तो उसको कवर कर दिया जाता है इवन इन हॉस्पिटल्स दे आर वेरी पर्टिकुलर ई वॉज सरप्राइज जब मेरे फादर की भी उन्होंने जब बॉडी दी थी तो वहां पे उन्होंने अच्छी तरह से सब कुछ पूरी तरह से कवर करके दिया था ओके सो दे फोर दट इवन द मेडिकल पीपल अंडरस्टैंड दैट दे कैन बी अ टाइम थिंग इफ द बॉडी इज लेफ्ट लाइक दैट सम अदर स्पिरिट्स विच आर अराउंड कैन एंटर ओके सो इव इवन एन आर दिस थिंग दिस से यूजली जब बॉडी है तो आप उसके पास ही बैठते हैं वी डोंट स्लीप ऑल्सो समबड़ी इज ऑलवेज सिटिंग अराउंड आई मीन ऐसा बोलते हैं दिया बत्ती जला के रखते हैं दिस इज आई एम से माई कल्चर वॉट एन ओके सो वॉट यू आर सेस एट दैट टाइम द बॉडी इज विदउट दोल नाउ इट कैन हैपन इन द सेंस वेर कि सपोज अभी कोमा में ओके okay? So you are saying is that for that moment the doctors are feeling that the body is in not responding. There is a malfunction happening. There's not much of time left. Jessica for example, Anita King dying to be me, jo Anita, hai, no kaha tha, The doctors felt that she is not there, or she will live for a few sec few uh, more, some hours, and she had gone into a coma.

but in terms of the soul the time is not in that way okay so it doesn't take them that much of a time to enter the back the body so we are thinking there is a time loss but actually there is no time lost because there is no definition of time and in their dimensions right ma'am ma'am right? sorry if huh? we have time i will ask you another question Otherwise... no 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 you can surely ask yes no problem no when a person dies uh -huh. so when we do astral travel it's our astral body which is traveling yeah so correct astral body and the soul are two different things astral body and soul are two different things yeah correct so when we die what happens hmm. to the astral body does it just lose energy or is does that also get transferred along with the soul to the new body

and there is an astral body which travels right. correct so that is an energy field that's not a body actually correct yeah. right correct yeah so body means that it has a mass it will decay it will go back to the earth hmm. or you will cremate it or burn it or bury it right? right correct energy anyway remains like that it cannot be burned it cannot be destroyed राइट सो वो एनर्जी तो कभी नहीं जा रही है ओके नाउ द क्वेश्चन इज सो वॉट यू आर कि वेदर द पर्सन रिमेंबर्स डजन रिमेंबर सो वो अलग चीज है कि वेन पीपल, टिल द टाइम यू आर इन द वोम यू हैव ऑल द नॉलेज यू आर अवेयर एंड टिल वन और टू ईन ईयर और समथिंग से वन फॉर टू और थ्री ईयर अ चाइल्ड नोज एवरीथिंग एंड दैट्स अ रीजन जब भी वो स्माइल भी करता है रोता भी है कुछ भी करता है टिल द टाइम इट स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इट स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड गेट्स द न्यू मेमोरीज और द न्यू काइंड ऑफ अ थिंग तब तक वो जने को कनेक्शन होता है विद दिस पास लाइफ राइट सो जो आप Uh, बोलने की कोशिश कर करे हो कि कुछ लोगों में रहता है कुछ लोगों में नहीं रहता है राइट right? करेक्ट hmm. है ना या सो इट इज समवेयर मे बी वी गेट डिस्कनेक्टेड आर सेल्फ फ्रॉम दैट लाइफ एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन रिमेंबर एवरीथिंग ऑफ आर लाइफ पास्ट लाइफ बिकॉज अदरवाइज सो यू कैन अंडरस्टैंड के सो मेनी पास्ट लाइफ वी हैव लिव्ड if that knowledge if that memory is present with us in our conscious mind then it will be become very difficult for us to live how will we live the life Better. so somewhere where disconnection is important it happens that's the reason it happens but maybe in some cases somewhere they it does not happen and they are connected to one of their past life which may be an important character which they can remember i mean my case uh, hypnotherapy ke panch uh, levels ke hmm. i could never hmm. regress to a past life maine jisko bhi regress kiya wo har ek ko past life dikha but i could even hmm. my instructors could not regress me pata nahi uh, for what reason था। They would बताना था I am not मैम बुक का नाम क्या है शकुंतला देवी के बुक जो बोल रहे थे आप मैम आई थिंक रिमार्केबल रिमार्केबल लाइफ या समथिंग मैं like मैं आपको बताती मेरे पास है लिखी हुई किताब का नाम बट अब भूल गई अभी याद नहीं आ रहा रिमार्केबल बर्थ या रिमार्केबल कुछ ऐसे है बहुत अच्छी किताब है उनकी आप पढ़ो उसको तो उन्होंने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए हैं यूएस के काफी केसेस बट मोस्ट ऑफ द केसेस आर विद रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू द एंटिटीज ओनली एंड देयर आर सम गुड सॉल्यूशंस एंड गुड थिंग्स आल्सो शी हैज गिवन व्हिच आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग इन आवर बुक ओके और कोई कुछ क्या कौन पूछ रहा था किसी की आवाज आई थी मैम मैं पूछ रही थी हाँ। मुझे एक सोलमेट के बारे में पूछना था ये कंसेप्ट क्या है सोलमेट सोलमेट आप कह सकते हो अभी सोलमेट मतलब जिससे कि आप कंपेनियनशिप कंफर्टेबल जिसके साथ आप जुड़ते हो जो आपके जैसा है जो आपके लिए बना है तो so ये आपके... जो आप बोल रहे थे ना सोल का जो पार्ट टाइम पार्ट एक पार्ट सोल आपके अंदर रहता है और एक बाहर रहता है ये तो नहीं नॉट नॉट सोल नो 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 वो अलग सो ही सोल है वो अलग इंसान है अलग सोल है अभी मैं तो आयुर्वेद पढ़ी हूँ तो आयुर्वेद में बोला है कि सोल एक ही रहता है आत्मा एक ही रहता है तो इसका कैसे ये है और आप जो शेविनिज्म का बात कर रहे हैं, ये ये क्या कंसेप्ट है ये दो मुझे बताइए देखो ये सिर्फ शमानिज्म में नहीं है बहुत सारे ऑल और... मतलब शमानिज्म रिलेटेड तो नेटिव ट्राइब्स जो पहले जो लोग होते थे तो आयुर्वेदा तो ऑफकोर्स आ... देखो ये आयुर्वेदा या होम्योपैथी या एनी काइंड ऑफ मेडिकल सर्विस मेडिकल थिंग्स या जो भी है फाइनली तो वो है जहां पर आपने कुछ चीजों को दे आर वेरी ओल्ड एंशेंट बट एक होता है जब इंसान ने खुद कुछ चीजों को खोज किया है ना जो शुरुआत से जो उसका कनेक्शन रहा है जो स्पिरिट वर्ड के साथ करेक्ट जो उसका कनेक्शन रहा है विद द नेचर जो उसका कनेक्शन रहा है विद दी ऑल द एक्सटर्नल एंटिटीज existing on this earth right so shamanism basically hai jo in terms of the oldest tradition or the oldest way of looking way of life how people lived to jab wo log rehte the jo जो जैसे आयुर्वेदा के आज आप डॉक्टर हो होम्योपैथी के डॉक्टर हो एलोपैथिक के डॉक्टर हो तो ये उस जमाने में जो डॉक्टर होता था जिसमें ये सब क्वालिफिकेशंस नहीं थी ये सब तजुर्बे नहीं थे लेकिन उसके खुद के अपने सर्च के एक्सप्लोरेशन तरीके औरे, थे जिसने उसको चीजें बताई जिसके द्वारा उसने खोज की राइट कौन कौन बोल रहा तो है तो भैया गुजराती भाई सो हाँ, so, मतलब जो जब उन्होंने वो भी अपने उस टाइम के डॉक्टर ही कहलाते थे ओके okay? उस टाइम के जो दवा या इलाज या जो भी समस्या जो भी प्रॉब्लम्स उन सब का Uh, पता लगाना उसके पीछे क्या कारण है या किस तरह से उसको ठीक करना वो सब काम वो लोग करते थे तो वो होते थे जो नॉलेजल वाइज मैन ऑफ दैट कम्युनिटी ऑफ दैट ट्राइब है ना करेक्ट तो हम उन्होंने जो महसूस किया उन्होंने जो देखा जो वो ट्रेवल uh, किया एस्ट्रल ट्रेवल्स या जो भी uh, अलग अलग जगहों पे वेयर वी नॉट ट्रैवल एज ह्यूमन बीइंग्स बट दे ट्रेवल्ड टू दोज प्लेसेस चाहे वह ऊपरी दुनिया हो चाहे वह नीचे की दुनिया हो चाहे वह हमारी दुनिया हो बट विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन रियालिटी क्योंकि जो हमको दिखाई देता है जो हम देखते हैं तो ये सब जितनी भी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे एग्जिस्टेंस में क्या है हमारे आस क्या है है ना जो हमको इन, हमारी इन आंखों से दिखता है जो हमको हमारे स्किन से महसूस होता है जो हम सुनते हैं बट इसके अलावा भी तो बहुत दुनिया है ना so we, हम सिर्फ ये डायमेंशन की दुनिया को देख पा रहे हैं जब हम ये सारे मेडिसिन को देख रहे हैं चाहे वो किसी भी फील्ड की हो बट उनका जो नजरिया था वो बेस्ड ऑन एक्सेसिंग ऑल द अदर डायमेंशन राइट तो वो वहां से चीजों को लेकर आए जो चीजें हमारे नॉर्मल एक्सेस के में नहीं है तो इसलिए जो उनके प्रैक्टिसेस में लिखा है उसमें आ, मतलब एक पर्टिकुलर ट्राइब का कहना नहीं है जैसे कि अभी आयुर्वेदा तो चलो इंडिया से आया है अभी काफी स्प्रेड हो गया है वर्ल्ड वाइड सब लोग उसके बारे में जानते हैं प्रैक्टिस करते हैं विश्वास रखते हैं लेकिन उसी तरह से शमानिज्म भी जो है वो एक पर्टिकुलर जगह को रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एक जगह का नहीं है वो बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रांत अलग अलग जगहों से अलग अलग दिशाओं में रहने वाले लोग उन सब का वही कहना है उनके उन सब का वही विचार है सिर्फ वो नंबर के ऊपर भी और ये सिर्फ मतलब ये चाहे आप चाइना ले लो चाहे आप नॉर्थ ईस्ट चाहे आप एशिया ले लो चाहे आप जापान ले लो चाहे आप नेटिव अमेरिकन ले लो चाहे आप आ, 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 ये साइबेरिया ले लो मंगलो मंगलोरिया ले लो तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं ना, ट्राइब्स वहाँ वहाँ पे चाहे इवन ऑस्ट्रेलिया ले लो या एबोरिजिनल एब ले लो या कोई भी जो भी तो वहाँ सबके लोगों के जो पहले जो लोग रहते थे जब ये सब चीज़ें उपचार नहीं आए थे जब इस तरीके नहीं आए थे तब भी वो चीजों का इलाज कर पाते थे तब भी वो चीज़ों को समझ पाते थे तभी भी वो चीजों को लोगों को उन चीजों से उभार पाते थे उनको ठीक कर पाते थे तो वो जो उनकी जो कनेक्शन था विद द नेचर वर्ड विद द स्पिरिट वर्ड उसके बेसिस पे उनको ये सब नॉलेज थी ज्ञात थी और वही ज्ञात हम तक उनसे तक उन पहुंची ओके okay? ठीक है सो so, देखो हर चीज में ना अलग अलग मत अलग अलग विचार होते हैं ऐसा नहीं है कि सब लोग एक चीज पे एग्री करते हैं है ना जैसे जैसे साइंस भी बढ़ती है चीजें एडवांसमेंट भी बढ़ती है तो साइंस भी कभी कभी अपने ही चीजों पे बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है, है ना कितनी बार ऐसा होता है ना कि वो जिस चीज में विश्वास रखती है या बोलती है कि नहीं ये लॉ था या इसके मतलब इसका मतलब ये है फिर वो थोड़े सालों बाद ये पता चलता है कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है ये ऐसा है है ना चाहे कोई भी थ्योरी भी हो चाहे वो अर्थ से रिलेटेड हो प्लानट से रिलेटेड हो किसी भी चीज से रिलेटेड हो उसमें नई नई चीजें नई नई पुरानी चीजें बदलती हैं नई चीजें भी एड होती हैं सो so, इसलिए वी शुड कीप एन ओपन माइंड हमको अपना दिमाग को खुला रखना है जो हमको लगता है कि हाँ हम ये चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसा हमको दिखाई दे रहा है तो जब हम आज बोल रहे हैं कि सोल्स बहुत जगह पे जन्म ले लेते हैं और जैसे कि अभी क्लॉड ने बोला कि एक ही जने में दो सोल एक ही जने की और तीसरा वो तो इसका मतलब देर इज एक ही जने की दो सोल्स है ना तो जब हम ये पास ऐसे तो लोग पास लाइफ में भी बिलीव नहीं करते थे री इनकारनेशन में भी बहुत सारे रिलीजन बिलीव नहीं करते थे लेकिन आज वर्ल्ड वाइड में पूरी तरह से ये एक्सेप्ट हो गया है ना नहीं तो जैसे हिंदूज तो बिलीव करते हैं पास लाइफ में बट बहुत सारे रिलीजन्स थे विच नॉट बिलीव इन री इनकारनेशन और पास लाइफ नहीं नहीं आयुर्वेद पुनर्जन्म को भी मानता है आत्मा को भी मानता है और मुझे खुद को भरोसा है पर ये मैंने पहली बार सुना था कि दो सोल एक के होते हैं इसीलिए मैंने पूछा था एक्चुअली एक बॉडी में एक सोल होता है ये पढ़ा है और ये इटर्नल है ये मुझे पता था इसीलिए पूछा आप कि ऐसा कैसा देखो सोल के पार्ट्स भी होते हैं सोल डिवाइड भी हो जाता है सोल के फ्रेगमेंट्स भी होते हैं हाँ फ्रेगमेंट होते, होते, होते हैं है ना तो अगर ये। सोल के पार्ट्स भी होते हैं इसका मतलब कि जो आपके अंदर सोल है वो पूरा नहीं है हाँ। ना अगर हमारे सोल के फ्रेगमेंट्स दूसरी लाइफ में भी रह जाते हैं ये भी होता है होता है होता है ना करेक्ट तो अगर इसका मतलब कि वो दो जगह पे अलग अलग टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं एक तो कहीं और छूट गया और एक आपके अंदर है करेक्ट और कोई और जाना उस सोल को ले सकता है अगर कोई चीज ऐसे ही है तो वो किसी और के भी हाथ में आ सकती है आ सकती है ना वो लेके भी वो आपकी बॉडी में भी एंटर हो सकता है तो यहाँ पे आपके दो डिविजन हो गए अलग अलग एक आपका आपका ही है वो दूसरा भी है लेकिन किसी और ने उसको होल्ड किया हुआ है सो क्लॉड इवन योर एक्सप्लेनेशन ऑफ टू सोल्स ऑफ द सेम पर्सन इन दिस बॉडी मे बी शी लॉस्ट The two, they were parts, divisions of her टू देवर पार्ट डिविजन और अगर आप ये शकुंतला मोदी की भी ये किताब पढ़ोगे उसमें भी ये इसमें you know, जहाँ पे एक किसी और की सोल को लेकर फिर थ्रू द cord आप उस पर्सन से कनेक्ट करते हो तो इसीलिए जब कभी कभी हम स्टोरी ऑफ दैट पर्सन समझने की कोशिश करते हैं या पास लाइफ उसकी देखने की कोशिश करते हैं जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं हमको वो जो जना उस पे हावी है इन्फ्लुएंस्ड है उस पे ऑक्यूपाई करा हुआ है उसकी स्टोरी में वो ले जाता है तो कर्म भी अलग अलग हो जाएंगे ना मैडम दोनों के कर्मा तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है कर्मा <laughs> को समझने के लिए तो जिंदगी बीत जाती है फिर भी समझ में नहीं आता अनादर क्लास फॉर हाँ कर्मा है, कर्मा कर्मा है। हाँ सो कर्मा को आप छोटा मत समझिए कर्मा बहुत बड़ी चीज है करेक्ट <laughs> किसका कर्मा किसके साथ कहाँ से कौन सी लाइफ का किधर कितना जुड़ा हुआ है तो वो सोचने में ही इंसान यही सोचता रहता है कि लाइफ में जो भी मैं भुगत रहा हूँ मेरे ही कर्म है दूसरे के कर्म है मैंने कुछ किया कब वो खत्म होगा वो साइकिल कब खत्म होगा एक में मैं चुका रहा हूँ दूसरे में वो चुका रहा है फिर वो चुका रहा है फिर मैं चुका रहा हूँ ये कब तक साइकिल चलता रहेगा राइट सो इट इज कर्मा तो बहुत सारी होते हैं बहुत चीजों के होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट uh, किसके साथ किस चीज पे बट हमारा पर्पस रहना चाहिए जब हम इस लाइफ में से जा रहे हैं जैसे कि मैंने कल या परसों ही किसी का किया था तो वहाँ पे आ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी कि यू you नो know, हमको ये लगता है कि हम जब ये लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं अगर हमारे कर्मों को हम रियलाइज कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो गलत किया है और हम उसका जो भी फगेवनेस है वो इस लाइफ में ही मांग लेते हैं तो हमको काफी फर्क पड़ता है कंपेयर टू जब हम ऊपर जाते हैं और हम अपनी चीजों को देखते हैं और समझते हैं कि हमने क्या क्या चीजों को गलत तरीके से किया राइट right? और आप जब गलत चीजें करते भी हो तो बहुत बार आप खुद ऑक्यूपाइड होते हो विद लॉट ऑफ अदर स्पिरिट्स विच मेक यू डू सर्टन रॉन्ग थिंग्स है ना सो so, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है टू नोट कि यू व्हेन आप कुछ गलत काम भी कर रहे हो देर आर सम अदर पीपल आल्सो हु आर मेकिंग यू डू रॉन्ग थिंग्स सो हम इवेल्युएट करते हैं जब पर्सन को और जब उसके पर्सन की एनर्जी को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि एक्चुअली उसने तो कुछ किया ही नहीं था ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस जैसे कि आप जब इवन एडिक्शन्स एडिक्टेड होते हैं so you you are under the 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 influence of the spirits of spirits addiction and you lose the control और उस पे आपके बहुत और लोग भी हावी हो जाते हैं और उस चक्कर में आप बहुत कुछ गलत भी कर सकते एनी वे खैर ये तो बहुत वाइड uh, टॉपिक है एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत कुछ आदमी शेयर कर सकता है बोल सकता है देख सकता है समझ सकता है एंड दे कैन बी डिफरेंट व्यूज एंड एवरीबडी है थैंक यू ओके थैंक यू थैंक यू एवरी वन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस सी यू नेक्स्ट टाइम इफ नॉट इन द क्लास मे बी सम वेबिनार ओके थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.